क्या करना दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़ और मैं बीएस भंडारी, हम दोनों लाइव हैं आपके सामने। आपके मुताबिक आपसे जो वादा किया था उसके मुताबिक आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा सेशन जिसका नाम है सवाल जवाब, यानी कि सवाल आपके होंगे और जवाब हम दोनों देंगे। तो दोस्तों कुछ मैं अपने बारे में बताऊं, जब तक हमारा कुछ व्यूवर्स या कुछ हमारे फाइटर्स और जुड़ जाते हैं। नाम मेरा दिलीप सिंह राठौड़ है और बेसिकली मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं। हालांकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है वो एक आर्मी पर्सन से है। मैं पिताजी मेरे आर्मी में थे, दादाजी मेरे आर्मी में थे और मैं आर्मी में नौकरी मैंने खुद ने 16 साल करी है और रिटायरमेंट भी हो गया। और मैं भंडारी जी के बारे में बताऊं तो भंडारी जी वैसे भाई मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, ना मैं कोई को सगे संबंधी है। ये आर्मी की नौकरी के दौरान मेरी मुलाकात तकरीबन आज से 10 से 12 साल पहले जब हम पंजाब में पोस्टिंग थे, भंडारी सर वो दिन आपको शायद याद होंगे। जी जी, जब आप हम नौकरी किया करते थे और बड़ी तकलीफ की लाइफ जिया करते थे। ट्रू। हालांकि सलूट करते हैं आर्मी को, क्योंकि हमें देश सेवा करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर समाज में कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, तो ये ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि बहुत बड़े लॉजिक है, बहुत बड़े कारण है। एक आर्मी पर्सन होता है ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से सारे काम करता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, चाहे वो बहुत बड़ी मतलब त्रासदी का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो या बहुत सर्दी का टाइम हो। तो ऐसे अपन लोग रोज किस्से सुनते हैं, सामने दुश्मन होता है और कारगिल जैसा युद्ध के टाइम अपन दोनों थे, उस टाइम आप देखा ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो भी सर। कहने का मकसद ये है कि हम आर्मी में थे भंडारी जी की, हालांकि भंडारी जी मूलतः रहने वाले अपने खतीमा उत्तराखंड के हैं, पर वहां से हमारी दोस्ती हुई और आज भंडारी सर मेरे साथ जयपुर में ही रहते हैं। तो भंडारी सर सबसे पहले आपका जयपुर में स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये दोस्ती भगवान बस ये प्रार्थना यही बनी रहे और ता उम्र और मरते दम तक बनी रहे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो ये छोटी सी एक लाइफ थी हमारी, फिर रिटायरमेंट हो गए, मैं भी रिटायरमेंट हो गया, भंडारी सर भी रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट होने के बाद में हमें जयपुर शहर के अंदर अपने मतलब मकान बना लिए और फिर बाय लक मान ले या ऊपर वाले का आशीर्वाद मान ले या कोई अच्छे कर्मों का जो अच्छे कर्म किए कभी लाइफ के अंदर या आर्मी के अंदर, तो हमें संजीव गुरु जी, अनिल कुड़ी सर, रामवीर सर का सानिध्य मिला और आज हम एक मंच के ऊपर आ गए, एक ऐसे मंच के ऊपर जिससे आप लोग सब रूबरू हो, जानते भी हो, तो उसी चर्चा करने के लिए हम आपके बीच में आज लाइव आए। तो ये छोटी सी जर्नी थी मेरी और मेरे मित्र है भंडारी सर, प्लीज आप अपने बारे में बताइए सर। सर धन्यवाद सबसे पहले इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा कराने का। मैं सभी उन सभी गुरुजनों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, सबसे पहले नतमस्तक करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, SLAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को, हमारे MD सर संजीव सर को, जिनकी सोच की बदौलत आज मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। मेरे गुरु अनिल कुरी सर, मामचंद सर, रामवीर सर और आफ्टर ऑल दिलीप सर और हमारी प्यारी सी टीम का मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा मुझे इस मंच तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में हमारे देश में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, राइट सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली मैंने बड़ी बारीकी से समझा है सर कि इस बिजनेस में ज्यादातर लोग हमारे देश में इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड से। जी 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 जी। और उसके पीछे का जो रीजन रहा है सर वो रहा है नॉलेज ना होना। लोगों को क्या है कि एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है, पूर्ण जानकारी नहीं है। एक्चुअली भंडारी सर जब आपके हमारे सामने बिजनेस आया था पहली बार जी, तो हम भी इस इंडस्ट्री से इस रास्ते से कहीं ना कहीं नेगेटिव थे जी। और हम सोचते थे यार ये छोटा काम है या हमारे लेवल का नहीं, हम तो आर्मी वाले हैं, टाइम नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होती थी हमारे सामने जी जी। पर जब इसकी नॉलेज हमारे गुरु ने, हमारे अपलाइन ने, हमारे सीनियर्स ने हमारे को दी जी, और जब नॉलेज की हमें ज्ञान समझ में आया कि यार सच्चाई क्या है जी, और तो शायद आज हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के 24 घंटा काम करने लग गए जी, तो वाकई में सही बोला आपने कि नॉलेज का तो अभाव होने के कारण नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सर किसी स्कूल में इसकी पढ़ाई नहीं होती थी, किसी कॉलेज में इसको कोर्स के तौर पर नहीं पढ़ाया गया,
और सबसे बड़ी बात है कि भाई आज तक हमारे किसी भी परिवार से किसी ने डायरेक्ट सेलिंग में काम करके सफलता नहीं पाई है, तो कोई व्यक्ति इसको करियर समझता ही नहीं है, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक। हाँ बिल्कुल लेकिन सही बात है। अब बदलाव आया है सर, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सर डाल दिया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपने सिलेबस में, और यहाँ तक कि सर अभी मेरी बेटी ने 11th लिया है, 11th में वो गई है, तो जो उसने सब्जेक्ट चुने हैं, तो मैंने उससे एंटरप्रेन्योरशिप के ही बिजनेस के ही सब्जेक्ट चुनने को बोला है, तो उन सारे सब्जेक्ट्स में अभी सर मार्केटिंग सिखाई जा रही, पढ़ाई जा रही, बताई जा रही है। बिल्कुल, तो अब समय बदलेगा, अवश्य बदलेगा, अब समय अब समय बदलेगा, अच्छा आया है। अब और समय डायरेक्ट अच्छा सेलिंग है। को लेकर अभी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आ रही है, ट्रू गवर्नमेंट के भी रूल रेगुलेशन बन चुके हैं, और कंज्यूमर अफेयर भी आज आज आगे आ चुका है, सारी चीजें भी। जी और मेरा ये मानना है कि जैसे अपन मलेशिया गए थे, सिंगापुर गए थे, दुबई गए थे, तो डायरेक्ट सेलिंग हर जगह है, और वहां पे ऑल ओवर लोग, इंडिया हाँ सर। वहां पे लोग है ना, फुल क्रेज के साथ करते हैं, जी क्योंकि वहां पे ये चिट फंड वाला काम नहीं है, लल्लूपन जो उल्लू बनाने वाला सिस्टम नहीं ये है। सबसे बड़ी बात सर यहां से ये निकल करके आती है आपके इस पॉइंट से कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का सहारा लेकर के जो पोंजे स्कीम चलाने वाली कंपनियों ने ना हमारे देश में इसकी छवि खराब कर दी। बरोबर अच्छा कंपनी वाले हो, ओहो, मीनवाइल की लोग क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। वो एक कहावत है कि भी दूध का जला छाछ भी छाछ फूक फूक को के पीता है। भी इस वजह से शायद कि चिटफंड पोंजी स्कीम की वजह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल की यह दुर्गति हुई है। बट अब जब से सरकार बदली हुई है, नियम चेंज हुए हैं, गाइडलाइंस आई हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, कंज्यूमर अफेयर में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया है, और लोगों को अल्टीमेटली ये भी समझ में आने लगा है कि यार आखिर ये मनी रोटेशन वाला धंधा ज्यादा दिन चलने वाला हाँ, है नहीं ऐसा इतनी देखा भंडारी सर मैंने, जी लोग डायरेक्ट रूप से क्या समझते हैं, हाँ डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं कि भाई इधर से डालो आलू, इधर हाँ सोना निकल सो जाएगा। वो मशीन अभी तक बनी नहीं है जो बनाने वाले थे जिन्होंने ये कहा था कि हाँ इधर से आलू डाले इधर सोना। अरे वो भाई आप मुझे बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है, आलू डालो सोना निकलेगा। अरे आलू डालो तो चिप्स निकल सकती है, समझ में आ सकती है बात। भाई आलू यस डाला, कोई मशीन लगी है, कट कट के आलू चिप्स में कन्वर्ट होके आ सकती है, यानी कि 10 रुपए केजी आलू डाले तो 30-40 रुपए केजी की चिप्स निकल सकती है, समझ में आ सकती है बात। ट्रू है पर 10 रुपए केजी आलू डाले और 40,000 रुपए तोला सोना निकल जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं और है। शायद कहीं लोगों का यही माइंड सेट था कि बस ये तो गेम है, ये तो कोई उल्लू बनाने वाला सिस्टम है। दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, जी तो इसी का आज हम आपके सामने आज सेशन लेके आए, और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स भी आज जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी जी बात है पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदुस्तान में कहीं से भी हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे पंजाब से, मुझे मालूम नहीं कहाँ कहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका हमारे कॉमेंट्स चालू है फेस इस पे यूट्यूब लाइव के ऊपर, एक बार अपनी स्टेट का, अपने शहर का नाम जरूर डालें कि हमें मालूम चले कि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। और दोस्तों दूसरा मेरा एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि आप ऐसे सवाल पूछे जिसका कोई लॉजिक हो, बिना लॉजिक का कोई सवाल ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि हम इतना समय हमारे पास भी नहीं कि हम आपका उस बिना लॉजिक के सवाल का जवाब दे पाए। जी ओके, तो आज भंडारी सर अगर सेशन शुरू करें, कि काफी सारे हमारे व्यूवर्स आ गए होंगे, जी 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 हैं, जी शुरू करें। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। भंडारी सर अधिकतर क्या होता है कि जो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का या MLM जिसे बोलते हैं, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जोश जोश में जुड़ जाते हैं, कभी किसी का किसी भी कंपनी का प्लान देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, या किसी लीडर की अचीवमेंट देखते हैं, तो लोग बोलते हैं जी ये लो पैसा ले लो, कोई दिक्कत, जो जुड़ जाते हैं। पर लोग जुड़ने के बाद में उनको बाद में महसूस होता है कि यार कोई सवाल आता है उसके सामने तो बोलते हैं नहीं नहीं अरे तो काम गलत है, मैं तो गलत फंस गया करके, ऐसे बहुत सारे थका आते हुआ हैं, महसूस थका हुआ करता है। महसूस होते। तो सबसे पहले एक व्यूवर का हमारे पास सवाल आया था कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 से 16 हजार रुपए कोई इंसान लगाए और वो लाखों करोड़ रुपए कमा ले, मर्सिडीज में आ जाए, BMW में आ जाए, जगुआर में आ जाए, और 10 लाख 20 लाख महीना कमाने लग जाए। अगर ऐसा होता तो मेरे को लगता नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास में 16-16 हजार रुपए नहीं है। अगर नहीं भी हो ना, ऑटो वाला ऑटो बेच के, रिक्शा रिक्शा बेच के, कोई भी लाके हमें दे देता और हम उसको करोड़पति बना देते। तो लोगों को यह सवाल आता है कि 15 से 16 हजार रुपए लगा के करोड़पति नहीं बना जा सकता। ट्रू है सर, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं।
सर उसके पीछे का कारण जो मेरे समझ में आया है, पिछले मैं लगभग 10 सालों से, 11 सालों से, 11 साल तकरीबन मुझे हो जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जाने हुए, तो मैं इसे बड़ी बारीकी से समझ पाया हूं। समस्या ये नहीं है कि सवाल ये नहीं है कि 15-17 हजार रुपए लगा करके भी क्या कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है। समस्या ये है कि व्यक्ति को ये विश्वास नहीं है कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूं। लिटरली जरूर सर, कोई भी फाउंडेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यक्ति विशेष बड़ा है, व्यक्ति विशेष अगर बड़ा बना है, चाहे कोई व्यक्ति इंडिविजुअल बड़ा बना है या फिर चाहे कोई कंपनी बड़ी बनी है, कोई भी कंपनी हो, एनी कॉर्पोरेट कंपनी, चाहे कोई पॉलिटिक्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बनी हो, राइट, जी। चाहे कोई इंश्योरेंस कंपनी बनी, कंपनी बड़ी बनी हो, प्रोडक्ट सेल आउट करने वाली कोई कंपनी बनी, बड़ी बनी हो, ई कॉमर्स की कंपनी बड़ी बनी हो, क्या ये सभी लोग पैराशूट से ड्रॉप हुए? नहीं मेरा बुरा, मेरा क्वेश्चन क्लियर है जी जी सर? जी सर सर आपके क्वेश्चन के बिहाफ पर मैं सर आप पर ही काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि हम दोनों एसोसिएटेड हैं और फ्रेंड भी हैं, तो इसलिए आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा। जी अगर आप कस्टमर होते, अगर आप मेरे प्रोस्पेक्ट होते, मैं ये बताना चाह रहा हूं हमारे उन फाइटर्स को जो लोग फील्ड में उतरते हैं, दोस्तों कभी भी किसी से बहस मत करना, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को अप्रिशिएट करना, जवाब इस प्रकार से देना आपने कि बोला सर बिल्कुल सही कहा आपने, 15-17 हजार रुपए लगाने से हर व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन ये तय बात है हर एक स्टार्टअप की शुरुआत बिल्कुल इसी प्रकार से होती है, 15-17 हजार नहीं, बल्कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने 200 रुपए से शुरुआत की थी सर। जी, बिल्कुल सही है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे समाज में। हल्दीराम, हल्दीराम का नाम आपने सुना है सर? हाँ बिल्कुल, बीकानेर भुजिया बहुत बड़ा नमकीन नाम। मिठाई के मालिक सर, जब वो घर से अलग हुए थे ना, तो तब उनके पास में 1 रुपया नहीं था, उन्होंने अपने किसी दोस्त को 200 रुपये उधार दे रखे थे और उस दोस्त ने उनको उस 200 में से भी 100 रुपये वापस लौटाया था। ये मैं उनके पोते की मुंह जुबानी आपको बता रहा हूं सर, जी। जिन्होंने अपने इंटरव्यू में लाइव ये सारी स्टोरी हाँ शेयर की, बिल्कुल, ये सच है। 100 रुपये से शुरुआत की किसी का कमरा लेकर के उधार में, मीनवाइल की दोस्ती में, बरोबर, वहां पर उन्होंने अपनी एक कढ़ाई डाल करके और वहां से सेब नमकीन बनाना शुरू किया, भुजिया बनानी शुरू की और आज इतना बड़ा एम्पायर शुरू कर दिया। बिल्कुल भंडारी सर, आपकी बात 100% सत्य है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बाबा रामदेव है। ट्रू हाँ सर, पतंजलि की जो फाउंडेशन पड़ी थी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस दिन रजिस्ट्रेशन के दिन रामदेव जी के पास में और बालकृष्ण जी के पास में 3500 रुपए नहीं थे सर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, बिल्कुल मात्र 1300 रुपए उनके पॉकेट में थे, बाकी 2200 रुपए उन्होंने कहीं से अरेंज किए थे। और आज आप सब लोग जानते हो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख करोड़ प्लस रुपए का आज कंपनी का एम्पायर हो चुका है। बरोबर तो सही। ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूं, फ्लिपकार्ट जहां से शुरू होती है, रेड बस जहां से शुरू होती है, ओयो जहां से स्टार्टअप जहां से शुरू होता है, ओला उबर, या आपका मैं बात करूं जेफ बेजोस की, जिसकी असेट आज 128 देशों के, छोटे बड़े देशों को लगा के 128 देशों की जीडीपी के बराबर आज नेटवर्थ है सर जेफ बेजोस की, एक छोटी सी वेबसाइट से एक स्टार्टअप शुरू होता है। आज कोई देश नहीं है जहां पर उसका स्टार्टअप नहीं है। आज ऐसे कितने स्टार्टअप है सर जो बिल्कुल लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं, बिना रिस्क के शुरू होते हैं और वो लोग इतना बड़ा बड़ा एम्पायर कर हाँ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे वो एग्जाम्पल ओयो है, यस ओयो का ओनर है बिल्कुल जो उड़ीसा से है, भुवनेश्वर से। ट्रू सर, हाँ ऐसे दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर जिनके पास कुछ नहीं था, गरीब थे, लाचार थे, पर आज उनका पास बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो ताकत मिली उनको वो मिली प्लेटफॉर्म की वजह से। प्लेटफॉर्म एक्चुअली क्या है कि सर कोई भी आइडिया हमारा दिमाग में आता है, आइडिया को हम कन्वर्ट करते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उसके 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 लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर हम उस पर एक्शन करते हैं, वो हमें सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। और जितने भी हमने अभी तक ये स्टार्टअप्स के बारे में जिक्र किया है, ये सारे स्टार्टअप किसी न किसी आइडिया की बदौलत है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी, कंपनी
कभी आज से 200 साल पहले किसी के दिमाग में आई थी? उन्होंने ये सोचा, ये अमेरिका की बातें हैं सर, हाँ, हमारे हमारे देश में तो 25 साल हुए हैं, लेकिन आज से लगभग 200 साल से भी अधिक समय पहले किसी ने इस जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को कन्वर्ट किया किसमें? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है सर? कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको लिबर्टी देता है, आपको लिबरल बनाता है कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह काम कर सकते हो। मीनवाइल कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना। सपोज दैट सर कि अगर आपको मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी है, डोमिनो की लेनी है, या आपको एडिडास की लेनी है, या आपको प्यूमा की लेनी है, या कोई ट्रैक्टर की एजेंसी लेनी है, बाइक की एजेंसी लेनी है, पेट्रोल पंप लेना है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। अब जब आपने फ्रेंचाइजी खोली है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट बड़ी होने की वजह से स्टॉक अधिक है, आपके पास में कस्टमर आ रहा है और आपके प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको इनकम आ रही है। यही है फ्रेंचाइजी मॉडल, बिल्कुल राइट। ओके, अब इसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, फ्रेंचाइजी मॉडल में लिबर्टी आपके पास में वही रहती है, अधिकार आपके पास में वही रहते हैं कि आप यहां पर 15-17 हजार रुपए, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई फिक्स पैकेज है, आप यहां पर रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप एक प्रोडक्ट परचेज करके भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं, कर सकते हो। आपका कोड एक्टिव करने के लिए आप अपने घर की जरूरत के प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आपको फिक्स पैकेज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग, रजिस्ट्रेशन करने से जब के बाद में आप यहां पर काम करना शुरू कर देते हैं, अब कोड एक्टिव जैसे ही हो जाता है आपका, डायरेक्ट सेलर कोड एक्टिव हो जाता है। अब डायरेक्ट सेलर कोड होने के बाद में, एक्टिव होने के बाद में, आपको सर कंपनी दो ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोल करके देती है, शॉपिंग पोर्टल खोल करके देती है ई कॉमर्स की पद्धति के आधार पर। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप उसे कह सकते हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग आप उसे कह सकते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप उसे कह सकते हैं। अब दो शोरूम आपने खोल दिए और पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई स्टॉक नहीं रखना, तो स्टॉक आएगा कहां से? कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी, राइट। आपको क्या काम करना है सर? आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करनी है, मीनवाइल आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, और एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा है ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेलिब्रिटी हमारे जितने भी हैं, सही है, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, फिर वो चाहे हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, अगर एडवर्टीजमेंट में अगर पैसा नहीं होता तो फिर वो अपना क्रिकेट के खेलने के बाद, फुटबॉल खेलने के बाद, टेनिस खेलने के बाद, या फिल्में करने के बाद में वो छोटे छोटे ऐड क्यों कर रहे थे, वो तेल शैंपू का प्रचार क्यों कर रहे होते? बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये कहा भी गया कि अमिताभ बच्चन ने तो पूरी फैमिली ऐड के लिए लगा रखी है। अमिताभ बच्चन साहब नॉर्टन बेच रहे हैं, ऐश्वर्या जी है जो अपना लक्स बेच रही है, बिल्कुल, और अंबुजा सीमेंट बेच रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि शेयरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, बस तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और 15,000 रुपए कोई वो नहीं है कि भाई 15,000 रुपए कोई लगा के इन्वेस्टमेंट करना है, ये तो स्टार्टअप है बिजनेस का, शुरुआत में करनी होती है जी। तो ऐसे ही दोस्तों भंडारी जी, एक हमारे एक और व्यूअर है अपने, बोले एसलीपीएस के फाइटर है मेरे, शायद मेरे ख्याल से जो रूपाली पांचाल मैडम है, शायद मेरे ख्याल से, जिनका रूपाली पांचाल जी ने सवाल किया है कि सर ऐसी बहुत सारी कंपनी है वो मार्केट में आती है और कुछ दिन काम करके चली भी जाती है, तो क्या ऐसा गारंटी है कि आपकी कंपनी है वो कभी जाएगी नहीं मार्केट से, हमेशा यही बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आई और गई है? बिल्कुल, रूपाली पांचाल जी ने सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस प्रकार के उठपटांग सवाल आने बहुत लाजमी भी है, और उठपटांग नहीं मैं कहूंगा, बिल्कुल लॉजिकल सवाल, लॉजिकल सवाल है, क्योंकि कंपनी आई है, कंपनी गई, उसके पीछे वजह यही है कि सर पिछले 25 साल से तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल चला है, उससे पहले भी सर आरडीएफडी कंपनियों ने लोगों को एक प्रकार का एक ड्रीम दिखा करके, सपना दिखा करके कि भाई 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा और आप पैसा इन्वेस्ट कराओ। लोगों ने, गरीब बेचारे जिनको, जिनके पास में खेती बाड़ी के सिवा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, या छोटे मोटे रोजगार करते थे, नौकरी करते थे, दिहाड़ी बेसिस नौकरी करते थे, तो हर इंसान चाहता कि भाई मेरा पैसा बढ़े, मैं मेरी औलाद के लिए पैसा बढ़ाऊं, राइट। अब उसके पास में
उस कॉन्सेप्ट को लेकर के कौन गया, उसी का कोई अपना रिश्तेदार, बिल्कुल उसी का कोई अपना बंदा, कंपनी खोलने वाला तो नहीं गया, नहीं गया, गया कौन, उसी का कोई अपना जानकार। अब उसने अपने उस जानकार के विश्वास पर आरडी एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिसे अगर मैं आम भाषा में कहूं मनी रोटेशन कंपनी या पोंजी स्कीम, राइट, जो कि सेबी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पूरी तरह से इल्लीगल है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बड़े बड़े नाम, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सेबी ने क्लोज कर दी, ताले लगा दिए, सीज कर दिए, राइट। अच्छा, फिर ये बात मैं बता रहा हूं सर आपको 95 से पहले की, और जब सेबी फॉर्म हुई तो फिर सेबी ने क्या किया, 78 से सर ये सब इन्वेस्टमेंट वाला काम चल रहा था बैंकिंग सेक्टर के अलावा। अब इन्वेस्टमेंट हम कहां कहां कर सकते हैं गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक, या तो सर हम करेंगे तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं तो आरबीआई और आईआरडीए यानी कि बैंक, और या फिर इंश्योरेंस, और तीसरा अगर हम प्राइवेट किसी भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए सर आपका स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ जराम पैसा लोगों ने, कुछ दिमाग वाले लोगों ने क्या करना शुरू किया, एक अलग से अपना ही इन्वेस्टमेंट का जरिया शुरू कर दिया कि हम आपका पैसा रियल एस्टेट में लगाते हैं, इधर लगाते हैं, उधर लाते हैं, और फिर आई से भी इतना तो इतना मिलेगा, मतलब 5 साल में तो, अरे तरह तरह के मतलब मीनवाइल की वो चलाए। मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी मैं बात कर रहा हूँ सेबी से पहले की, जब सेबी आई और सेबी ने जब इन पर शिकंजा कसा और ये क्लोज हुए, तो फिर फर्दर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने या फिर इसी तरह के लोगों ने, इन जराम पैसा लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का सहारा लेकर के, और या तो सीधे सीधे प्रोडक्ट की आड़ पर, सामने प्रोडक्ट एक बैरियर रखा केवल, प्रोडक्ट के नाम पर धूल दे करके और मनी रोटेशन करना शुरू कर दिया, राइट। और किसी ने तो कागज पकड़ा दिया कि बोला भाई हम तुम्हें बाइक देंगे एक साल बाद, हम तुम्हें टैक्सी देंगे, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, एक साल में आपको पैसा डबल मिल जाएगा, सही है। अब इस प्रकार से आप ऐसा करो, ये जो बाइक वाली आपने बात बताई और टैक्सी वाली बात बताई ना जी, तो मेरे काफी सारे मतलब मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे खुद कन्विंस किया, अरे क्यों भाग रहा है, क्यों ये आइटम आयुर्वेद बेच रहा है, क्या रखा है इस आयुर्वेद में, तो हमारे पास किराया मिलेगा, ये मिलेगा, करना कुछ नहीं, केवल 2,000 रुपए लगाने, 9,000 हर महीने मिलते रहेंगे। और दोस्तों आज वही हुआ जो नहीं होना था सर, इतना एक बच्चे को भी समझ में आता है डायरेक्ट सेलिंग है क्या। मीनवाइल की सर अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो क्यों दूंगा सर, या तो आप मेरे लिए काम करोगे और या फिर मेरे से कुछ खरीदोगे। मीनवाइल की अगर कोई व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है तो वो या तो आपको आपसे सर्विस लेगा और या फिर आपको प्रोडक्ट सेल आउट करेगा, बराबर, राइट। जब हम होटल में जाते हैं तो होटल में अगर हमने रूम लिया तो उसने हमारे को सर्विस दी, उसने हमारे को खाना खिलाया, प्रोडक्ट दिया, राइट, उसका पैसा ले उसका रहा पैसा लिया। अब कोई भी व्यक्ति आपको बिना सर्विस के और बिना प्रोडक्ट के आपको यह कह रहा है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, तो वो देगा कहां से, यानी कि नया पैसा आएगा, नया ग्राहक आएगा और वो पैसा रोटेट होगा, इसी को कहते हैं मनी रोटेशन। मतलब इसी से भंडारी साहब एक मिलता जुलता क्वेश्चन आता है और हमारे व्यूअर ने पूछा भी था, कल एक कमेंट डाला था जी कि भाई चलो ठीक है आपकी कंपनी नहीं भागेगी या प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट है, लोग बिकेंगे तो नहीं भागेगी, समझ में आता है भाई, जितने प्रोडक्ट बेस है, चाहे मारुति वाला है, चाहे एलजी वाला है, चाहे पैनासोनिक वाला है या बाबा रामदेव है, या अपना आइटम दे रहे हैं, नहीं भागे, मान लेते हैं जी। पर क्या है, क्या गारंटी है कि कभी तुम्हारे डायरेक्टर साहब हैं जो भी कंपनी के ओनर वगैरह, उनके मन में लालच आ जाए, मोटा पैसा लेकर वो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भाग जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं, ये दोनों एक ही रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई या आपकी कंपनी भाग गई या आपके डायरेक्टर्स जो है कि कंपनी बंद करके और बाहर सेटल हो जाएं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसका मैं एक ही कारण बताता हूं कि कंपनी कौन लॉन्ग टर्म चलेगी, किसके साथ आप अपना करियर लगा सकते हो, बिल्कुल जायज सवाल है आपका, आप इसमें करियर बनाने के लिए आए हो तो आपको 100% ये जानने का हक है कि भाई मैं इस कंपनी में आ तो जाऊं, मेरा नुकसान तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो यहां पर बहुत
एक लोवेस्ट से लोवेस्ट मिनिमम अमाउंट के साथ आया हूं, तो मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है यहां पर, लेकिन समय तो खराब होएगा, 5 साल 7 साल 10 साल खराब होएंगे, और वो कंपनी अगर बंद हो जाती है किसी भी रीजन से, भाग जाती है, या जैसे आपने कहा कि डायरेक्टर भाग जाते हैं, तो मेरा तो करियर बर्बाद हो गया, मेरा तो समय बर्बाद हो गया, तो जानने का बिल्कुल हक है। तो सर किसी भी कंपनी के साथ ऐसा होता है तो क्यों होता है वो आप समझ लेंगे तो शायद आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सर कंपनी किसी कोई भी लॉन्ग टर्म चलेगी, कितना चलेगी, कंपनी कितनी बड़ी बनेगी, छोटी रहेगी, आगे ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन कंपनी विजन एंड मिशन। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा सर मैं 2 मिनट लूंगा आपके और हर एक फाइटर के मन में उठे सवालों को खत्म कर दूंगा, 2 मिनट लूंगा सर इसको समझाने के लिए। सर कंपनी कितने बड़े मल्टी स्टोरी ऑफिस उसका है, कितना बड़ा उसका मल्टी स्टोरी ऑफिस है, उससे बड़ी नहीं बनती है कंपनी, बड़ी बनती है सर उस इंसान की नीयत से, उस इंसान की नीयत से, उस इंसान की दूरदृष्टि से जिस इंसान ने कंपनी खोली है। बरोबर। मैं बताना चाहूंगा सर हमारे एमडी सर के बारे में। सबसे पहले वो एक किसान परिवार से आते हैं, 15 साल भारतीय सेना की वर्दी पहनी है, एक ऐसी गौरवमयी नौकरी की है जिसके लिए हर एक व्यक्ति का जो सर उनके सम्मान के लिए झुकता है। बरोबर। राइट। तो सबसे पहली बात तो सर उनकी नियत पे तो यहीं से सवाल उठाना खत्म बनता है कि भाई एक फौजी आदमी के ऊपर शक करने का मतलब है अपने देश पर शक करना, अपने देश के सारे जवानों पर शक करना। राइट। आज अगर हम पीस में अगर सही सुकून से सो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, आर्मी की वजह से। राइट। ओके। अब दूसरी बात करते हैं सर, चलिए ठीक है, वो तो होगी ह्यूमन मैन, एक ह्यूमन बीइंग कि ये उनकी पर्सनल एक स्ट्रेटेजी हो गई। अब एज ए एमडी की बात करते हैं कि सर कि उनका विजन कंपनी को लेकर के क्या है। सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है, राइट, अपना स्टार्टअप करती है, अपनी फैक्ट्री लगाने में सालों लगा देती है। सर आज तक मैंने 25 सालों में कोई कंपनी ऐसी नहीं देखी जिसने कि अपनी फैक्ट्री पहले 3 साल में लगा दी हो। बिल्कुल समझने वाला पॉइंट है सर। हाँ, बहुत। अगर कोई व्यक्ति भागने वाला होगा तो सर वो क्या करेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। राइट। वो क्या करेगा कि भाई जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को वो कहीं ऐसी जगह पर लगाएगा, ऐसी जगह पर सेविंग करेगा कि अगर कल कंपनी को क्लोज करना पड़े तो इसमें मेरा मिले कुछ ना अपना चुपचाप। राइट। ओके। अब दूसरे से प्रोक्योर करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट सप्लायर तो दुनिया भर के हैं, तो किसी दूसरे से सप्लाई लिया हुआ प्रोडक्ट लिया, या वाइट लेबलिंग प्रोडक्ट लिया, या अपना लेबल लगा करके बेच दिया। राइट। ओके। अब संजीव सर ने पहले 3 साल में अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी, पहले 3 साल के अंदर, जब 3 साल का बच्चा था एसएलपीएस वेलनेस, तब संजीव सर ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। राइट। 7 प्रोडक्टों के साथ शुरुआत हुई थी, याद है सर, बिल्कुल अच्छी तरह। और आज कितने प्रोडक्ट हैं, लगभग 80 प्रोडक्ट, 80+ प्रोडक्ट हो चुके हैं। राइट। हमने पहले वेलनेस के सेक्टर में साथ शुरुआत की थी, आज हम 5 से 6 कैटेगरी में आ चुके हैं। बिल्कुल। प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज हो चुकी है, मतलब बढ़ चुकी है। और दूसरी बात सर, पहले 3 साल में 1 फैक्ट्री और अगले 3 साल के अंदर 3 फैक्ट्री, और आज टोटल 4 फैक्ट्रियां सर लग चुकी है। बिल्कुल लग चुकी है। बिल्कुल लग चुकी है। क्लियर है। और बावजूद उसके, अपनी फैक्ट्रियां होने के बावजूद भी सर प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, क्वालिटी। कि अगर मैं प्रोडक्ट, मीन वाइल की अगर मेरे पास आज फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना सकता हूं तो मैं इसी 80 प्रोडक्ट तो एक रात में लेके आ सकते हैं चाहे तो। बिल्कुल। क्या नहीं ला सकता इंसान चाहे तो। राइट। लेकिन नहीं, प्रोडक्ट R&D होने के बाद में जब तक सर रिजल्ट नहीं आ जाता उसका, जो उनकी चाहत है भी इस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट है मेरे सेटिस्फिकेशन से, मेरा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूं, हजारों सर मैं स्वयं गवाह हूं इस बात का, कितने बार प्रोडक्ट रिजेक्ट किए हैं। R&D टीम दुखी हो जाती है, बोला अरे यार सर सर की डिमांड पूरा करने के लिए, सर की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं,
और दोस्तों ये इस नियत के सर है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, अगर पैसा कमाना, पैसा समेटना उद्देश्य होता तो दोस्तों SLAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के MD SLAPS वेलनेस फाउंडेशन खड़ी ना करते। जी 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 बिल्कुल सही। जैसा आज आपको पता है कि AWPL फाउंडेशन समाज के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए किस लेवल पर कार्य करती है। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देखा ही था खासकर कोरोना काल के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े शहर है जहां पे हमारे सीनियर लीडर है, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है, उन लोगों ने एक महीने तक हर एक शहर के अंदर 500 लोगों को खाना खिलाने का लिया था जिम्मा, बखूबी निभाया था और ये हर मीडिया पे, न्यूज पे, अखबारों में और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सब पे आए थे। सर कौन कौन डायरेक्ट सेलिंग वाला या फिर कौन ऐसा बंदा है जो अपना प्रॉफिट में से और पैसा उधर करता हो सर? मतलब जो है कि कोई भी इसको, इस वीडियो को सुने और कोई बुरा ना माने अगर मेरी बात, तो अगर आपको ऑड लगती है तो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े बिजनेसमैन लोगों ने भी इस दौरान, इस पेंडेमिक सिचुएशंस के अंदर और लोगों की हेल्प के लिए इस प्रकार की फाउंडेशन रेज की और लोगों की हेल्प की, राइट। लेकिन बावजूद उसके सर एक चीज नोटिस की कॉमन, जो सब में बात थी जिन्होंने भी फाउंडेशन चलाई, वो पता क्या थी कॉमन बात, सब लोगों ने फंड रेज किया था, सब लोगों ने फंड रेज किया था। और SLAPS वेलनेस फाउंडेशन फंड रेज नहीं किया बल्कि अपने प्रॉफिट या कहीं से भी अपनी असेट से अपना असेट बेच करके, जो उनकी सेविंग थी, सेविंग से, राइट। जिस तरह से मैं एक व्यक्ति को मानता हूं, हालांकि बाद में उनकी भी फंडिंग हुई होगी मैं ये नहीं जानता, जिस प्रकार से सोनू सूद ने सबसे पहले अपना, अपने कुछ असेट बेच करके पहले दिन शुरुआत की, बाद में उनको फंडिंग हुई, जी जी जी, राइट। लेकिन बात करें SLAPS वेलनेस की, थैंक्स संजीव सर हमें इस प्रकार की सोच देने के लिए कि आप इस प्रकार से जो आपका विजन है, मिशन है कि भी लोक कल्याण करना है। मीनवाइल वो कहते हैं कि यार पैसा मुझे क्लिक ही नहीं करता ब्रो, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। पैसा कमाना अगर उद्देश्य होता तो मैं जो है कि कुछ भी कर करके पैसा कमा लेता। तो दोस्तों आपके सवाल का यह जवाब कि कंपनी भाग गई तो डायरेक्टर्स कैसे सवाल आपके आते हैं, तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि MD सर साक्षात भगवान के एक मैसेंजर के रूप में हम सबके बीच हैं। कहते हैं कि जब इस धरती के ऊपर जब बोझ बढ़ जाता है, जब हाहाकार त्राही त्राही लोग मदद के लिए जो है कि चिल्लाते हैं, तो तब कहीं ना कहीं भगवान कुछ एक ऐसा अवतार लेते हैं या फिर किसी को इस प्रकार की हिम्मत देते हैं कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूं। तो शायद संजीव सर के साथ भगवान स्वयं है, जिसकी वजह से दोस्तों आज SLAPS वेलनेस 6.5 साल के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना पाई है। आप बिल्कुल मत घबराइए, कंपनी कहीं नहीं भागेगी और आपका तो लेकर के कुछ नहीं जाएगी, क्योंकि आपने लगाया ही कुछ नहीं। आप मत भाग जाना, आप मत भाग जाना, कंपनी कहीं नहीं भागेगी। कंपनी कितना चलेगी, 6.5 साल से चल रही है, चलती रहेगी, दौड़ेगी। लोग तो भागने की बात कर रहे हैं, अभी तो और नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, खासकर कृषि प्रोडक्ट आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। आपके किचन के प्रोडक्ट आ चुके हैं और आ रहे हैं, आपके टॉयलेटरी के प्रोडक्ट आ रहे हैं। मीनवाइल की दोस्तों एक तरफ जहां पर हम वेलनेस पे काम कर रहे थे, वहां पर आज आपकी जिंदगी चलाने के लिए जो नीड्स है वो सारे प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल अभी फ्रेश जो है, अभी हमारी इको टी आई थी, हर्बल टी आई थी, बहुत जबरदस्त टी है, मैं स्वयं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम अ टी एडिक्टेड मैं सर, आपको पता ही है जी जी जी, जी। चाय का एडिक्शन हूँ। फौज के समय से जब तक एक मुट्ठी चाय पत्ती, अदरक, काली मिर्च, वो आधा लीटर वाला मग्गा और वो आधे घंटे उबली हुई चाय मुझे चाहिए थी, तो मैंने वो चाय पी है सर, इको आरोग्यम टी अल्टीमेट। उसमें ऑलरेडी सर अश्वगंधा, मुलेठी, काली मिर्च, ये तुलसी, सारे इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पानी में डालो, उबालो और पी लो, क्या ही मजा है। जी सर, नेक्स्ट। तो मंडल सर एक और सवाल आता है हमारे साथ में कि मतलब
लोगों को हम जब बात करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं भाई मैंने यहाँ पे 6 करोड़ कमा लिए, भंडारी जी बोलते हैं जी मैंने यहाँ पे 5 करोड़ कमा लिए, रामवीर सर बोलते हैं जी हमने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, महिपाल जी बोलते हैं हमने 20 करोड़ रुपए कमा लिए। ऐसे जब बड़े लेवल के लीडर जो बड़ी बड़ी पैसे के अपने अचीवमेंट बताते हैं, जैसे बोलो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे को आज एसटीपीएस कंपनी में 6 साल में इनकम की बात करूं 6 करोड़ से ऊपर की इनकम है जी। अगर मैं घर की बात करूं तो एक घर मेरे पास पहले ही था, अभी मेरा जयपुर जैसे शहर में एक लग्जरी फार्म हाउस बन रहा है, बड़ा आलीशान बन रहा है, और आज लगभग 2-2.5 साल हो गए बनते हुए, अभी और भी समय लगेगा जी। तो लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कि सर प्रोडक्ट लिए हमने 16,000 रुपए के और ऊपर वाले कमा रहे करोड़ों रुपए, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना पैसा कंपनी कैसे बांटती है? ये एक बड़ा सवाल है कि भाई अगर इतना पैसा कैसे बांटती है, और अगर बांटती भी है तो 15-17 हजार रुपए का मान लो कि अगर कोई एक 100 SP से अगर कोई कोड एक्टिव करता है या 52 SP से कोई कोड एक्टिव करता है 20, तो फिर सबको ऊपर तक पैसे कैसे जाता है? मीनवाइल की समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, राइट? ओके, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सर किसी को भी बिजनेस मॉड्यूल पता नहीं है कि आखिर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है तो वो किस प्रोसेस से होकर के आता है, राइट? हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, उसके बाद में सर हम डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे कि भाई इतना कमीशन कैसे आता है, ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केट की भंडारी सर एक बात मुझे याद आ गई जी, और मैं अपने ट्रेनिंग वगैरह में लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिनिक प्लस पाउच का एक शैम्पू है जी, कितनी कॉस्ट है? एक रुपए। अब 1 रुपए के पाउच में शैम्पू भी है, सोचने वाली बात, शैम्पू भी है, उसका पाउच भी है, अब उसको वर्कर भी लगे बनाने के लिए, उसमें माल भी डाला है, मसाला भी डाला है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, होलसेलर भी है, डीलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, वो सारे लोग पैसा कमा रहे हैं 1 रुपए, उसका मालिक पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया जी 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 जी। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट की गणित का जो है जी, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर, तो तब जाकर के आपको ये समझ में आ पाएगा कि आखिर सर की 6 करोड़ इनकम कैसे है, या मेरी जो है कि 4 करोड़ इनकम कैसे है, या महिपाल सर की 12 करोड़ इनकम कैसे है, या शिव कुमार सर, रामवीर सर की इनकम 12 करोड़ कैसे कैसे है, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों बड़ा इलॉजिकल सा सवाल है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि सवाल है तो जवाब देना पड़ेगा। साथियों मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आता है तो किस प्रोसेस से होकर के आता है? आप रिटेल शॉप से मार्केट में उस प्रोडक्ट को खरीदते हो, राइट? हाँ, दुकानदार से खरीदते हैं, सही है। ओके सर, मैं इस मोबाइल की बात कर लेता हूँ। जी 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 सर, क्या क्या कॉस्ट है इसकी? ये 60,000, 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का ये मोबाइल है, राइट? ओके, या आपने रिटेल पे जाकर के खरीदा या फिर ई कॉमर्स से खरीदा, 60,000 का खरीदा, बिल्कुल। ओके, ये बना कहाँ है सर? चाइना में, मोटा मोटा, राइट राइट। ओके, चाइना में बना है और हम इसे इंडिया में किसी भी रिटेल से खरीद रहे हैं, बना कहीं भी हो। अब रिटेल तक ये पहुंचता कैसे और किस प्रोसेस से होकर गुजरता है? सबसे पहले सर रिटेलर, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में सबसे पहले होता है सर किसी भी कंट्री का एक मेन स्टॉकिस्ट, जिसे C&F हम कह सकते हैं, जो मेन स्टॉकिस्ट यानी कि मेन डीलर, जो पूरे कंट्री हेड, कंट्री का स्टॉकिस्ट जो पूरे कंट्री के अंदर कंट्री सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करेगा, वो डायरेक्ट रिटेलर को सप्लाई नहीं करेगा, वो डायरेक्ट हर स्टेट में स्टेट वाइज कर देगा, स्टेट वाइज सिटी वाइज वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करेगा, राइट? ओके, फिर उसके नीचे स्टेट वाले डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, C&F, स्टेट के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गए, डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी फिर सर आप तालुका में चले जाते हैं, तहसील में चले जाते हैं, फिर वहां आ जाते हैं सर होलसेलर, राइट? इन सबको हम टोटल एक नाम देते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटर। पहले कंट्री C&F, उसके बाद में आपका स्टेट स्टॉकिस्ट, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट का, फिर उसके बाद में आपके सिटी का होलसेलर, अब वहां से गया सर रिटेलर के पास, राइट? ओके, ये 5 प्रोसेस हो गए। ओके, अब उसके बाद में इन सब के ऊपर इन सब का बाप होता है एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, राइट? यानी कि ये 5 जो चैनल हैं, ये 5 चैनल में जो पैसा खर्च हो रहा इसको बोलते हैं सर मार्केटिंग। क्लियर है सर? इन 5 चैनल में जितना बड़ा अच्छा ब्रांड होगा, जितना क्वालिटेटिव ब्रांड होगा, उतने ही बड़े सेलिब्रिटी से उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। लाइक जैसे वन प्लस है तो अमिताभ बच्चन ने इसको लॉन्च किया, सही है जी, तो कोई लावा होगा, कार्बन होगा, तो वो छोटा कोई मतलब मीनवाइल की उससे जो कम पैसा ले ऐसे सेलिब्रिटी से उसका
एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में खर्च होगा ही होगा, होगा। उसके बाद में प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। आज की डेट में सर अगर मैं ये आपको समझाना चाहूं कि सबसे अधिक पैसा अगर कहीं खर्च होता है किसी प्रोडक्ट को सेल करने में, तो वो होता है सर मार्केटिंग में। प्रोडक्ट चाहे कितना ही क्वालिटेटिव क्यों ना हो, मार्केटिंग तो करनी ही पड़ती है। क्लियर हो गया सर? वन पॉइंट ओके। अब जो बहुत हाई रेटेड प्रोडक्ट होते हैं सर, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, यहां पर एक अपवाद ये और आएगा कि सर एप्पल तो अपना प्रचार नहीं करता, सर जगवार तो अपना प्रचार नहीं करती, जी 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 जी, सर मर्सिडीज तो अपना प्रचार नहीं करती है। वो भी करती है लेकिन उनकी क्लास है, क्लास वो फेसबुक पर प्रचार नहीं करते, इंस्टाग्राम पर करते हैं। फेसबुक पर कम करते हैं तो कहां करते हैं? इंस्टाग्राम पर करते हैं। छोटी सी बात बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत क्लास लोग हैं, कम लोग हैं। और हकीकत मायने में तो जो उन प्रोडक्टों को खरीदते हैं वो टीवी देखते ही नहीं है, तो इसलिए उनका टीवी प्रचार आता ही नहीं है। सही है? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं उन प्रोडक्टों की, जिन प्रोडक्टों को हमारा देश 70% लोग खरीदते हैं, यानी कि मिडिल क्लास लोग, उन प्रोडक्टों की बात कर रहा हूं, वो इस प्रोसेस से होकर के मार्केट में उतरता है। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक कस्टमर के पास में अगर ये 100 रुपए का पेन रिटेल प्राइस, इसका एमआरपी अगर 100 रुपए है, तो मैन्युफैक्चरर ने जब इसे रिटेलर तक बनाया है तो रिटेलर तक पहुंचने में आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन शायद 60 रुपए से लेकर के और 85 रुपए तक केवल और केवल मार्केटिंग में पैसा लगा है। मतलब क्योंकि ये समझ लें कि अगर 100 रुपए का पेन अगर मार्केट बिक रहा है, तो बनने वाले के पास में 10 से 15 रुपए बड़ी मुश्किल से बना होगा, बड़ी मुश्किल से, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सर 30 से 35 रुपए से ज्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। किसकी? अब मैं बात कर रहा हूँ पार्कर पेन की। हाँ, अब मैं पार्कर पेन की बात कर रहा हूँ, अब मैं इस पेन की बात नहीं कर रहा जो मेरे आपने एग्जाम्पल लिया इसका, राइट? ओके, कब बात कर रहा हूँ? जब मैं कह रहा हूँ कि 35 रुपए का, मीनवाइल की जो जितना हाई रेंज में प्रोडक्ट होगा, जितना हाई प्राइस उसका होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी उतना ही पैसा लगा हुआ होगा। क्लियर हो गया सर? जी। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है सर, कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और कस्टमर हो गया, राइट? और बीच में हो गए सर हम, कौन? जो कंज्यूमर थे पहले, हमने प्रोडक्ट यूज किए, हमें रिजल्ट मिले, अब हमें कंपनी ने हमारे को ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आप ये समझ सकते हो जिस प्रकार से नवरत्न तेल का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, जिस प्रकार से आपकी फेयर एंड लवली की ब्रांड एम्बेसडर यामी गौतम, उसी प्रकार से सर आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, कंपनी ये कहती है। तो हमने सारे मिडल मैन खत्म कर दिए, सारे आपके सीएंडएफ खत्म कर दिए, राइट? जो भी कंपनी पूरे इंडिया के अंदर सीएंडएफ अपॉइंट करती है वो डायरेक्ट अपने अंडर अपॉइंट करती है। आज हमारे ऑल ओवर इंडिया 500 प्लस सीएंडएफ है, बिल्कुल है, आपको पता होगा। दूसरी बात जो बताना चाह रहा हूं मैं सभी व्यूवर्स को, ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक के नीचे एक सीएंडएफ नहीं है, कंट्री टू स्टेट, स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू सिटी नहीं है, ये सारे सीएंडएफ डायरेक्ट कनेक्ट किसके हैं? कंपनी के। मीनवाइल की खर्चा बच गया, समझ रहे हैं? खर्चा बच गया। अब जो भी ट्रांसपोर्टेशन भी है तो कंपनी डायरेक्ट पहुंचा रही है सारे। मीनवाइल की आप इसे कह सकते हो कि कंपनी ने डायरेक्ट आउटलेट अपने खोल रखे हैं। सही है? जी जी। तो पैसा, जो पैसा मिडल मैन को जा रहा था, चाहे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, फिर वो चाहे एडवर्टाइजमेंट थे, वो पैसा सर यहां पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट? अब डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करती है, वो होता है सर एक सिस्टम, और वो सिस्टम समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? प्लान प्रेजेंटेशन, और प्लान प्रेजेंटेशन आप बिजनेस प्लान आपको समझना पड़ेगा, और बिजनेस प्लान समझने के लिए सर आपको अपना गिलास खाली करके बैठना पड़ेगा। बिल्कुल भंडारी सर ने बिल्कुल सही, गिलास खाली करके इसलिए बैठना पड़ेगा कि अगर इस गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर इस गिलास में पानी भरा हुआ है तो हम इसमें और पानी नहीं डाल सकते या और कोई पदार्थ नहीं डाल सकते, लेकिन अगर गिलास खाली है तो उसमें डाला जा सकता है। तो मीनवाइल अपने आप को इसमें बिल्कुल एक न्यू कमर समझ करके, एक नई चीज सीखने के पर्पस से अगर आप बैठेंगे तो 100% इनकम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है ये आपको समझ में आ जाएगी। जी जी,
राइट सर? बिल्कुल ओके। और मैडम इसी के साथ एक और हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है जी, और वो ये बोलते हैं सर बाकी सब ठीक है, हम ये काम भी कर ले, हम लोगों को प्रोडक्ट भी पहुंचा दें, पर आपके प्रोडक्ट जब नया आदमी कोई लेता है तो घबरा जाता है, क्यों? उसकी रेट हाई है, यानी कि प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो ये हर आदमी तर इतने महंगे प्रोडक्ट मैं बेच नहीं पाऊंगा, तो थोड़े से लोग पीछे कदम खींच लेते हैं। ओके मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है सर इसका, इसलिए मैं हंस रहा हूं मनी मन। सर एक बात पूछना चाहूंगा दिलीप सर, आप कि कितने भी इनकम रही हो एसएलपीएस में आने से पहले भी, राइट? पहले आप जैसे आर्मी में थे, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस सवाल के बदले में, हर सवाल के बदले मेरे पास एक सवाल है जी जी, राइट? मुझे आप बताइए कि सर आप जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज खरीदना चाहोगे या सस्ती चीज खरीदना चाहोगे? ऑब्वियसली अच्छी चीज खरीदूंगा अगर जेब अलाउ देता है, अलाउ देता है तो, राइट? हाँ फिर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जेब में पैसे नहीं, फिर मजबूरी है। और अगर अच्छी चीज सस्ती हो तब और भी बल्ले बल्ले, लेकिन दुर्भाग्य है सर, दुर्भाग्य है सर, अटल सत्य है कि सस्ती चीज महंगे प्रोडक्ट के मुकाबले में कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, उसके मुकाबले में उससे बेहतर कभी हो ही नहीं सकती। शायद इसीलिए वर्षों से कहावत हम सुनते आ रहे हैं कि सस्ता रोए बार बार, बार बार और महंगा रोए एक बार, एक बार शायद इसीलिए कहावत बनाई गई है। अब प्रैक्टिकली सर मैं आपको एक बात इसके बारे में बताना चाहूंगा लॉजिक के साथ में, कि सर आपके पास है, मुझे याद है आपके पास एक बाइक थी जब नाभा में थे आप पटियाला, हंक बाइक थी, हंक बाइक थी, उस समय क्या कॉस्ट थी उसकी सर? उस टाइम लगभग 65,000 रुपए थी उस टाइम पे, मतलब जब 2003-04 की बात है, 65,000 रुपए, राइट? ओके सर, हेलमेट कितने का था आपका? हेलमेट तो कैंटीन आता उस टाइम से 1,000 रुपए समथिंग, राइट? आईएसआई मार का स्टड का होगा या फिर उसी तरह का होगा, कैंटीन आता तो, राइट? ओके, लेकिन सर हमारे देश में अच्छा हेलमेट होता किस लिए? सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। हमारे देश में क्या सीन है, 65,000 रुपए की हंक खरीदी आपने 2010 नहीं 2004-05 में खरीदी थी, 2004-05 में खरीदी, राइट? 2004-05 में खरीदी, तो एनी हाउ जब भी खरीदी आपने, जब कितने की भी खरीदी, लेकिन 90% लोग हेलमेट आईएसआई मार्क का नहीं खरीदते, नहीं खरीदते। आज भी वो हेलमेट मेरे ख्याल से 1400-1500 रुपए का आता होगा, स्टड का आता है, राइट? क्लियर है, आज भी 90% लोग हेलमेट खरीदते हैं सड़क किनारे जो ठेली वाले जो बेच रहे होते हैं, जो 250 रुपए का आता है, 350 रुपए का आता है, और एक्सीडेंट से बचने के लिए कोई नहीं खरीदता, किस लिए खरीदता है? पुलिस वालों से बचने, चालान से बचने के लिए, पुलिस वाले ना रोक ले, राइट? आई वासन में तो सबसे पहली बात तो सर ये समझ में आती है कि इंसान कितना भी पैसा खर्च कर सकता है अगर उसकी जरूरत का प्रोडक्ट है, अगर उसके मन को भा जाए तो फिर वो 65,000 की बाइक भी खरीद ले, और अगर जरूरत ना समझे तो 1,000 रुपए का जो सबसे इंपॉर्टेंट हेलमेट है, हेलमेट है उसको छोड़ वो भी ना खरीदे। अब बात करते हैं सर कि प्रोडक्ट हमारे महंगे या सस्ते हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि प्रोडक्ट पहली खरीद में कभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सस्ता है या महंगा है, सही है? आपको सर चाइनीज मोबाइल फोन ऐसे कई जगह पर हैं, दिल्ली आप चांदनी चौक चले जाओ, भगीरथ प्लेस चले जाओ, राइट? आपको चाइनीज मोबाइल मिल जाएंगे, चाइनीज आपको यूएसबी आपको मिल जाएगी किलो के हिसाब से, ठीक है? ओके, अब कोई 1,00,000 रुपए का मोबाइल आपको कहता है 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में ले लो, सस्ता है सर महंगा है? 1,00,000 रुपए के मुकाबले में सस्ता है या महंगा है जब आपने खरीदा? सही बात, सस्ता है, सस्ता लगता है, एक बार तो लगता, राइट? सस्ता है। अब आप उसे घर लेकर के जाते हैं और घर जाकर के जब आप उसे ऑन करते हैं, यूज करने लगते हैं, तो पता लगा सबसे पहला तो आपके साथ फ्रॉड ये हुआ है, उसने कहा था कि भाई ये 256 GB का है, पता लगा वो 28 GB का है बरोबर, या 128 GB का, उससे कम जीबी का निकला, जितना उसने उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई थी उससे वो कम कॉन्फ़िगरेशन का निकला, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि वो चाइनीज प्रोडक्ट है इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट उसको इस प्रकार से डिजाइन किया, जब उसे चोर मार्केट में बेचना है
तो चोर मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट की कहावत है भाई, चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक, राइट। तो वो प्रोडक्ट कल बंद होगा कि परसों बंद होगा आपको पता नहीं। अब वो 10,000 रुपए भी अगर गए सर आपके, तो प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो महंगा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सर इंसान के लिए वो 10,000 रुपए भी बहुत मुश्किल से उसने कमाया एक मिडिल क्लास ने, जी सही है। तो पहली प्रोडक्ट, और दूसरी बात, अगर वही मोबाइल चोरी का निकला, आपने सिम डाली, सिम डालते ही आपको पता है ईएमआई नंबर, आईएमआई नंबर से मोबाइल ट्रैक हो जाता है और पुलिस सायरन बजाते आपके घर पहुंचे, वाओ वाओ वाओ, और बोले हाँ जी ये फोन आपके पास है, बोला हाँ, बोला चलो थाने में, बोला क्यों, बोला चोरी का। अब बताइए सर सस्ता हुआ या महंगा हुआ? बहुत महंगा पड़ गया सर। तो एक छोटी सी और बताता हूँ सर, बस मैं पेन बेचते हुए देखा लोगों को। हाँ पेन बेचते देखे, 10 रुपए के 10 पेन या 20 पेन बेचते बेचते हुए देखा। जैसे बस रुकते बस स्टॉप पे एक आ जाता बिल्कुल मेरी तरफ परफेक्ट आदमी, बात बोल वाला, भाइयों और बहनों कंपनी का प्रचार है और आपका फायदा है, 5 मिनट के लिए बस रुकी हुई है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये 50 रुपए का पेन जिसको जिसमें आप अपनी लव स्टोरी लिख सकते हैं, अपनी बायोग्राफी लिख सकते हैं, चलता ही जाए खुशबू छोड़ता है, ये करता है वो करता है, राइट। 50 रुपए का पेन मात्र आपको मिल रहा है 20 रुपए में, और साथ ही आपको दोस्तों इसके साथ गिफ्ट मिल रहे हैं 5 पेन, यानी कि 5 पेन का ये शर्ट मात्र 20 रुपए में। अब 5 रुपए का पेन, 5 पेन अगर 20 रुपए मिल रहे तो एक पेन कितने का हो गया? 4 रुपए का, राइट। बिल्कुल, अब वो जाता है इस प्रकार से आगे से पीछे को बस में जाता है, हाँ जी भाई साहब कितने दे दूं आपको, कितने दे दूं, इधर भी पकड़ा देता है उधर भी पकड़ा देता है। अब लोग सोचते हैं यार 4 रुपए के तो पेन चल ले लेता हूं, अब ले लेते हैं। अब उस पेन को लगाया सर पॉकेट में आपने, राइट, और आपका ये जो शर्ट है वो शर्ट है आपकी 2,000 रुपए की। अब वो स्याही ऐसी होती है कि वो उल्टी कर देती है थोड़ी देर में, और यहाँ आपकी पॉकेट जो है कि खराब हो जाती है, अब वो स्याही कभी निकल नहीं सकती, राइट, नहीं निकल। अब मुझे बताइए कि सर वो 4 रुपए का या 2 रुपए का जो भी अपने सस्ता लगने वाला पेन खरीदा था, फ्री में साथ में और 4 पेन मिल रहे थे आपको, वो सस्ता था या फिर महंगा था? वो तो बहुत महंगा पड़ेगा, 2,000 शर्ट तो खराब, शर्ट खराब हो गई, राइट। तो सर आपका प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट आपके यूज आता है या नहीं आता है। सवाल ये है कि यूज आता है या नहीं आता है। लेकिन हमारे देश की मानसिकता कैसी है कि हमारे देश की मानसिकता ऐसी है कि लोग जब सीजन ऑफ होता है उस समय पर बड़ी बड़ी कंपनियां जब 50% सेल करती हैं तब जाकर के, जब सर्दी खत्म होने वाली होती है तब जाकर के हम लोग शॉपिंग करते हैं अगली सर्दी के लिए। सर्दी का बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारी मानसिकता ये है, डिस्काउंट मिल रहा है, हमें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए कम रेट में, भले ही वो हमारे इस्तेमाल आए या ना आए, राइट। और वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि यार सीजन निकल रहा है अभी सारा माल निकाल देते हैं, हमारा ये स्टॉक डेड नहीं होगा, चाहे हमारे को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाए बेच दो, बोला 70% ऑफ कर दो लेकिन बेच दो। और हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि मैं 70% सेल में लेकर के आया हूं, उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा पैसा 1 साल तक स्टक हो गया, क्योंकि कपड़ा आया रखा रखे और फोल्ड कर दिया, अगले सीजन में पहनोगे, अगले सीजन में फैशन चेंज हो गया, अगले सीजन में फैशन चेंज हो गया, आपका वजन बढ़ गया या कम हो गया, हाइट बढ़ गई बच्चों की, बेकार हो गया, पैसा बेकार हो गया। तो इस वजह से कहता है आदमी की प्रोडक्ट आपका महंगा है। हमारा प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है सर? अब आप मुझे बताना, हमारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, मैं आपको सर विश्वास दिलाता हूं 100 सालों से भी अधिक समय हो गए हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट बनने में, 100 साल से भी अधिक हर्बल प्रोडक्ट पेटेंट रूप में जो मार्केट में बिकने लगे हैं अप्रूव्ड होकर के 100 साल से अधिक समय हो चुके हैं। जी जी, कितनी पुरानी कंपनियां हैं आप सब जानते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं और कितने समय से बना रही हैं, राइट। लेकिन मैं सर यकीन के साथ कह सकता हूं कि पिछले 6.5 साल में हमारे प्रोडक्टों के जो रिव्यू आए हैं सर, ऐसे रिव्यू अगर पिछले 100 साल में अगर किसी भी कंपनी के हो तो सर मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जैसे प्रोडक्ट के रिजल्ट हमारे एसलीपीएस वेलनेस के हैं। सर हमारे प्रोडक्ट से, वह वेलनेस के प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो सर हमारे प्रोडक्ट से, हालांकि ये इलनेस के लिए नहीं बने, किसी बीमारी के लिए नहीं बने, लेकिन सर 80% लीवर डैमेज में रिजल्ट मिले हुए,
90% आर्टरीज ब्लॉकेज में रिजल्ट मिले हुए हैं, मिले हुए राइट सर। इनफर्टिलिटी में जिस महिला को ये कह दिया कि भाई कंसीव ही नहीं हो सकता तुम्हें, जीवन में कभी तुम मां नहीं बन सकती, 15-16 साल शादी को हो चुके हैं, घर में खुशियां नहीं है, उनके घर में खुशियां आई हैं सर। आर्थराइटिस, नी ट्रांसप्लांट, मीनवाइल की सर हमारे जो प्रोडक्ट है ना बहुत बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट है क्वालिटेटिव। अभी इसी बात से मुझे एक बार भंडारी जी मुझे याद आ गया और मैं भूल जाऊंगा जी, मैं एक बार टोकना चाहूंगा, एक ऐसा चमत्कार रिजल्ट आया मेरे सामने जो कभी कल्पना नहीं करी थी जी। मेरा जो काम है उड़ीसा के अंदर है और उड़ीसा के देहात के इलाके में काफी मेरा काम है जहाँ मतलब नौकर लोग रहते हैं जी। तो वहां पे क्या हुआ, एक बार की बात बताऊं आपको, थोड़ी पुरानी बात है, दो साल हो गए। ओके। एक कोई छोटा बच्चा था, माँ बाप का साइकिल पे जा रहा था तो बच्चा कहीं स्लिप हो गया साइकिल से, माँ बाप बैठे थे, बच्चा गोदी में था, छोटा बच्चा मतलब, तो स्लिप हो गया तो बच्चा गिर गया तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ओहो। तो उसके माँ बाप थोड़े गरीब थे तो उन्होंने लोकल चेक कराया, फर्क नहीं पड़ा था, फिर भुवनेश्वर ले गए, फिर बड़े हॉस्पिटल लेके गए जैसे सोम हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, वहां भी उन्होंने चेकअप कराया, बड़े आई स्पेशलिस्ट को दिखाया। तो डॉक्टरों ने उनको लास्ट में यह कह दिया था कि इस बच्चे की रोशनी आंखों में कभी आ नहीं सकती, यहां तक कह दिया कि कोई पेड़ का पत्ता होता है अगर वो सूख जाता है क्या कभी ग्रीन हो सकता है, क्या हरा हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो माँ बाप हताश हो गए। इसी बीच क्या हुआ कि हमारा एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर मान लें, अपना एक फाइटर मान लें, जो वहां पे पहुंच गया उनके पास में अपने कंपनी के प्रोडक्ट लेके, जी हमारी कंपनी है, एक संस्था है, स्लीपियस है, इसके ये प्रोडक्ट है। तो उसके माँ बाप ने बड़े ध्यान से उस प्लान को सुना, लास्ट में बोला कि भाई साहब आपके जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे लायक में प्रोडक्ट है नहीं। बोला ऐसा क्यों? बोला हमारे तो प्रॉब्लम बच्ची की आंखों की है, आंखों प्रोडक्ट आसपास में है नहीं। तो बोला बच्ची क्या, बोला बच्ची अंदर सो रही है, तो बच्ची को देखा तो बड़ी कमजोर सी हो रखी थी, छोटी बच्ची थी, मतलब शायद अभी 7-8 साल की हो गई होगी। तो उन्होंने ये बोला कि 7-8 साल की बच्ची है, कमजोर हो रखी है, आंखों प्रोडक्ट हमारे पास में है नहीं, हम कह भी नहीं। उन्होंने बोला कमजोर है तो एक काम करो, इसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट है किडजी डॉग और इम्यूनोडॉग। हाँ, बोला 2-2, 3-3 ml किडजी डॉग और 2-2, 3-3 ml इम्यूनोडॉग, इसको पिला दो, इसकी वीकनेस खत्म हो जाएगी। आप यकीन मानना वाणी सर, अपना भंडारी सर, कि हमने ये हमारे जो वो वहां का फाइटर था उसने केवल कमजोरी दूर करने के प्रोडक्ट दिए थे किडजी डॉग इम्यूनोडॉग, पर भगवान का चमत्कार है और संजीव सर के बनाए हुए बोले बोलते सच्ची नियत से प्रोडक्ट है कि उस बच्चे की आंखों की रोशनी आ गई। कमाल है सर ये तो। अपन ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर ने ये कह दिया था, देखो डॉक्टर अपनी जगह सही है, ट्रू है, वो तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट मेडिकल साइंस गलत थोड़ी है। उन्होंने ये कह दिया था कि कोई पेड़ का पत्ता अगर सूख जाता है तो वो कभी ग्रीन नहीं हो सकता, उनकी मेडिकल साइंस के मुताबिक, पर आयुर्वेद ने सूखे हुए पत्ते को दोबारा ग्रीन कर दिया। ये सब उस भगवान की अनुकंपा है और संजीव सर की नेक नियत की बदौलत है कि इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट और बच्चों के किड्स डॉग वाले प्रोडक्ट ने उस बच्चे की आंखें वापस ला दी। तो अब बताइए सर कि प्रोडक्ट महंगे हैं या फिर सस्ते हैं? और बाकी तो अपने तो सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर काम कर, उन्होंने दुनिया भर के रिजल्ट हमारे यूट्यूब पे डाले हुए, अस्थमा के हो, एलर्जी के हो, पाइल्स के हो, जॉइंट्स पेन के हो, तो उनको लोग देखेंगे तो पता लग ही जाएगा हमें कितने पावरफुल आइटम। बिल्कुल बिल्कुल, आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो भाई, किसी के घुटने के ऑपरेशन के 1.5 लाख रुपए बच गए, किसी के हार्ट की ब्लॉकेज के, आर्टरी के ब्लॉकेज के 2.5-3 लाख रुपए बच गए, किसी के लीवर ट्रांसप्लांट के पैसे बच गए, किडनी के ऑपरेशन के पैसे बच गए, और सबसे बड़ी बात है कि सर प्रॉब्लम ठीक हो गई। सही बात, इससे बड़ी और कौन सी दौलत हो सकती है कि यार मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, जहाँ पे अपने एक सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जहाँ पे 2.5 लाख रुपए लगने थे घुटनों के ऑपरेशन के दोनों के, अगर 10-12 हजार में आयुर्वेदिक काढ़ा पिया तो ठीक हो गए, तो 2.5 लाख में से 10-12 हजार रुपए कम कर दिए, लगभग 2,35,000 रुपए उस इंसान के बचवा दिए, बच गए, कटना पिटना दर्द वर्द बेड रेस्ट इससे बच गया जी। और दूसरा सर एक बस 30 सेकंड और लूंगा कि ये प्रोडक्ट के हमारे इतने महंगे होने का कारण क्वालिटी है, और क्वालिटी क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को समझा देता हूं कि सर हम लोग ना कोई भी हर्ब इसमें डालते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं तो हम एक्सट्रैक्ट परचेज नहीं करते हैं। Okay. हर्ब्स रॉ हर्ब्स डायरेक्ट परचेज करते हैं, लाइक हमारे जिन भी प्रोडक्टों में एलोवेरा डलता है, हमारा इस प्रॉपर एलोवेरा जूस बनता है, तो हम एलोवेरा की पल्प या सूखे हुए एक्सट्रैक्ट नहीं खरीदते, हम एलोवेरा खरीदते हैं,
फिर उसके बाद में यहाँ पर उसकी धुलाई, उसका हाइजीनेशन या उसकी छिलाई, उसके बाद उसके पल्प निकाल करके उसके बाद रस निकालने की जो प्रक्रिया है वो हमारी फैक्ट्री में यहाँ पर होती है, जयपुर में। जयपुर में ये मैंने अपनी खुद लाइव आंखों से भी देखा था। उसी प्रकार से मान लो कि जैसे शिलाजीत है या अश्वगंधा है, और सपोज दैट अश्वगंधा है तो हम सर एक्सट्रैक्ट नहीं खरीदते मार्केट से, हम अश्वगंधा की जड़ खरीदते हैं। अब उसको एक्सट्रैक्ट बनाने तक का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पर फैक्ट्री में स्वयं करवाते हैं, अपनी पूरी वारंटी टीम वगैरह पूरी। इस वजह से हमारे, क्योंकि अब मार्केट में जो बिकने वाला एक्सट्रैक्ट है सर, उसमें हो सकता है मिलावट हो सकता है, उसकी क्वालिटी कम हो, लेकिन जब हम अपने आप से उसको यहाँ पर खुद उसका ये सब कर रहे हैं, उसकी डेक बनाने की प्रक्रिया जो कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। ये है और अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियां जो है हर सबने इस्तेमाल करी है, इसी वजह से सर रिजल्ट जी। तो इसी के साथ आता है एक क्वेश्चन और आता है रिजल्ट के साथ ही कि चलो ठीक है प्रोडक्ट महंगा भी ले लें कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी लगा दें, पर क्या गारंटी है कि मेरा को इस बीमारी का रिजल्ट मिल जाएगा या मैं ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल सही सवाल है सर आपका, हर एक व्यक्ति सवाल करता है जब हम किसी के पास जाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भंडारी सर, बोलते जी आप ना प्रोडक्ट छोड़ जाओ हमारे पास, हम यूज कर लेते हैं, ठीक हो जाएंगे तो पैसे दे देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो रिजल्ट की गारंटी का कैसे इनको? जी मैं आपको बताता हूँ सर कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आता है या आप में से कोई व्यक्ति का ऐसा क्वेश्चन है कि भाई गारंटी क्या है, रिजल्ट तो दोस्तों गारंटी शब्द तो हमारा अगले पल क्या होना है, हमें एक इंसान की गारंटी नहीं नहीं मालूम सही है गलत है, बराबर किसी भी क्षेत्र में चाहे वो आपका कोई भी सेक्टर हो, मीनवाइल चाहे हेल्थ के सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सर, बड़े बड़े मेडिकल साइंस किसी को गारंटी नहीं देते हैं। जब हम हमारा अपना कोई परिजन आईसीयू में ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो डॉक्टर से साइन कराता नहीं कराता है कि भाई अगर कुछ हो गया हमसे, अगर कुछ हो गया तो मेरी जवाबदारी नहीं है, ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ हो गया तो उसे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम साइन करते हैं, जबकि डॉक्टर को पूरा पता होता है कि भाई मैं सर्जन को पूरा पता होता है कि 100% मैं इसको ठीक कर लूंगा, लेकिन उसके बावजूद वो दोस्तों गारंटी तो बहुत दूर की बात है, वो आश्वासन भी नहीं देते हैं। सही है, उल्टा हमसे लिखवा लेते हैं, उससे उल्टा हमसे लिखवा लेते हैं कि भाई ये है करके। सही है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर वो गारंटी दे देंगे और किसी को कुछ हो गया तो आप तो उनके गले पड़ जाओगे, उनका जीना मुश्किल कर दोगे। सही है गलत है? और ऐसे हमने कई केस आए दिन हम टीवी मीडिया पर सुनते भी आते हैं, क्या फलाने के रिश्तेदार की डेथ होने की वजह से उनके रिश्तेदारों ने हंगामा कर दिया, अस्पताल तोड़फोड़ मचा दी, डॉक्टर्स को पीट दिया, राइट? जी जी। ओके, अब हम बात करते हैं सर यहां पर गारंटी की। सर मेरी समझ में गारंटी से बड़ा है प्रमाण। जी जी, गारंटी से बड़ा है प्रमाण। हम किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास अपने मरीज को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में क्यों ले जाना चाहते हैं? गारंटी देगा इसलिए या इसलिए कि हमने ये देखा है कि फलाने अस्पताल से मरीज ठीक होकर के आता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। पहले कोई अपना ठीक होकर आ गया होगा जानकारी के अंदर, राइट? हाँ, बड़े अच्छे भाई, वो डॉक्टर साहब अच्छे हैं, ओके, बिल्कुल, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात सर, आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में किसी भी इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन कराते हो, गारंटी है कि वो वहां से सफल होकर के निकलेगा? क्या वो इंस्टीट्यूट आपको गारंटी देता है कि आपका बेटा 100% आईएएस आईपीएस बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? और या फिर आपने उस इंस्टीट्यूट में इसलिए दाखिला कराया क्योंकि आपके पास में प्रमाण है कि उस इंस्टीट्यूट के बहुत बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे अच्छी जगह पर उनको पहुंच चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है प्रमाण की वजह से? यस और नो? यस। तो सर मैं भी आपको गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि गारंटी तो यहां पर मेरी खुद की नहीं है कि मैं कल रहूं या ना रहूं। मैं प्रमाण दे सकता हूं सर, मैं अगर आज इस बिजनेस में हूं दिलीप सर, जी जी जी, तो मैं स्वयं रिजल्ट की वजह से हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और पिछले 6.5 साल में, 5.5 साल में अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं रॉयल डायमंड तक, तो मेरे पास में सर रिजल्टों की भरमार है। मैं आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम के हर एक उस व्यक्ति से बात करा सकता हूं
जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, लेकिन बावजूद उसके सर गारंटी मैं फिर भी नहीं दूंगा। सर मेरी मदर डायबिटीज कंट्रोल है, मेरी मदर को बीपी कंट्रोल है, मेरी मदर को मेरे प्रोडक्ट हमारे एसएलपीएस के प्रोडक्ट यूज करने से सर L4 L5 S1 बल्ज है उनकी, डिस्क बल्ज है, और उनको आज हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उनकी कमर दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम, लिगामेंट की प्रॉब्लम कहां गई पता नहीं, उनको इंसोमनिया था सर, नींद नहीं आती थी, हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उनको नींद आती है। लेकिन उसके बावजूद मेरे घर में खुद रिजल्ट होने के बावजूद, मुझे रिजल्ट मिलने के बावजूद भी मैं सर आपको गारंटी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? उसके पीछे एक कारण है सर, हर इंसान की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है, हर इंसान के शरीर के सेल्स का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। वो हर्ब्स आपके शरीर में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा सर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो हर्ब्स आपका शरीर ऑब्जर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि सर दो रोटी खाते तो भी वजन बढ़ जाता है, और एक आदमी 20 रोटी खाता है तो भी वजन नहीं बढ़ता। अनाज तो वही है, एक बंदा परेशान है कि यार मैं पानी भी पी लेता हूं तो भी मेरा वजन बढ़ जाता है, और एक बंदा कहता है कि यार मैंने कितनी कोशिश कर ली उसके बावजूद मेरा वजन नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। तो ये हर्ब्स तो है जरूर, राइट? इसकी अब हमारे शरीर में ये काम करेंगे या नहीं, ये कोई केमिकल थोड़ी है कि रासायनिक क्रिया करेगा जाकर के, सही है? तो आपका शरीर अगर उन हर्ब्स को ऑब्जर्व कर लेगा तो मे भी आपको रिजल्ट मिल जाए, और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन यह तय है कि रिजल्ट मिले या ना मिले, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। और वैसे अपन देखते हैं कॉमन की अगर अपने 10 को प्रोडक्ट दिए तो उसमें 7 से 8 लोग ठीक होते हैं। अरे सर बिल्कुल, 7 से 8 नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा 8 से 9। हाँ, पर सर इसी साथ एक क्वेश्चन और आ गया कि जब बीमारी की बात चलती है, प्रोडक्ट की बात चलती है, या किसी डॉक्टर की बात आ जाती है बीच में, तो हमें भी लोग बोल देते हैं, हमारे किसी फाइटर को लोग बोल देते हैं कि सर आप तो डॉक्टर नहीं हो, फिर आप ये काम कैसे कर सकते हो आयुर्वेद वाला। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली सर यहाँ पर समझने वाली बात है, नंबर एक बात तो दोस्तों, हम लोग वेलनेस पे काम करते हैं, हम लोग इलनेस पे काम नहीं करते। वेलनेस का मतलब है स्वास्थ्य, और इलनेस का मतलब है बीमारी। तो बीमारी पे काम नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर है ही नहीं, आगे बसन में। और दूसरी बात, हम लोग करते हैं दोस्तों मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, हमारा काम प्रचार करना। अब मुझे बताओ कि जो मुंह का प्रचार करती है मॉडल, वो डॉक्टर है क्या? जो पैरासिटामोल का प्रचार करता है, जो क्रोसिन का प्रचार करता है, जो ओमनी जेल का प्रचार करता है, वो डॉक्टर है क्या? जो नवरत्न तेल का प्रचार करता है, जो च्यवनप्राश का प्रचार करता है, जो हॉर्लिक्स का प्रचार करता है, वो डॉक्टर है क्या? हम लोग दोस्तों पहली बात तो किसी को प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे। मैं यहां पर बताना चाहूंगा, मेडिसिन दो प्रकार की होती है, ये आप समझ लो। नंबर एक प्रेस्क्राइब, जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के आप मेडिकल स्टोर से परचेज भी नहीं कर सकते, उसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता है प्रेस्क्रिप्शन की। और दूसरी है सेफ प्रिपरेटरी मेडिसिन, जो हम वेलनेस प्रोडक्ट आज हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं जिनका, उनको कहते हैं सेफ प्रिपरेटरी मेडिसिन। इनको मेकिंग मेथड में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव जरूर होते हैं, लेकिन मेकिंग मेथड में वही इंग्रेडिएंट जले होते हैं जो आपके प्रोडक्ट उसके लेबल के ऊपर लिखे हुए। तो इनको लेने से मार्केट में तभी आते हैं जब ये आयुष प्रमाणित हो जाते हैं कि इनको लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? बरोबर। दूसरी बात दोस्तों, ये ओटीसी प्रोडक्ट है। ओटीसी प्रोडक्ट मतलब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, यानी कि आप इसे किसी भी काउंटर पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। हमारे जितने भी हर्बल प्रोडक्ट हैं, हमारे जितने भी हम मार्केट में, क्या अभी से इससे पहले एलोवेरा नहीं खरीदते थे? क्या हम इससे पहले आंवला नहीं खरीदते थे? बहुत सारी कंपनियों का खरीदते हैं, नहीं खरीदते थे? क्या हम लोग टूथपेस्ट नहीं खरीदते? क्या हम हर्बल के नाम पर बाजार से शिलाजीत नहीं खरीदते, अश्वगंधा नहीं खरीदते? खरीदते हैं, यस और नो? क्या हम उससे गारंटी मांगते हैं, या फिर हम उससे मांगते हैं कि डॉक्टर है या नहीं है? ये तो दोस्तों हमारे को दादा परदादा ने बताया कि भाई ये चीजें हमारे किस काम आती है। भाई एलोवेरा पेट को साफ रखने के काम आता है, तो त्रिफला एलोवेरा पेट को स्मूथ रखने के काम करता है, तो त्रिफला डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है, तो वही आपका जो है कि तुलसी मुलेठी, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम आते हैं। ये तो हमारे को विरासत में मिली हुई चीज है, इसके लिए आपको किसी भी मेडिकल पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, और खास करके प्रचार करने के लिए तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं नहीं है। जैसे अपने देसी भाषा में समझे जी,
सलमान खान रिवाइटल बेचता है, ट्रू राइट, बिल्कुल, वो डॉक्टर नहीं है, नहीं है, है। इसीलिए वो सारे एग्जांपल्स आपको बताएं। सर इसी के साथ एक और आता है कि काफी सारे लोग जो पहले से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं नौकरी वगैरह में या कोई दुकान खोल के बैठे होते हैं, तो उनके सबसे बड़ा अभाव होता है वो समय का होता है, समय का अभाव, तो लोग बोलते हैं जी हमारे पास समय नहीं है, और या फिर बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं कि भाई 15-16 हजार रुपए हमारे पास नहीं है जी, और पैसा है तो यार समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल सही बात है सर, ये समस्या तो हमारे देश के 95% लोगों की है, 95% लोगों की समस्या है कि भाई मेरे पास में समय नहीं है या मेरे पास अब पैसा नहीं है। अरे हमारे बिजनेस को करने के लिए तो छोड़ो, उनके पास किसी भी काम के लिए ना तो समय है ना पैसा, ना पैसा, सही है, सही बोल, बहुत समझने वाला सवाल है सर, और आप सभी फाइटर से मेरी रिक्वेस्ट है इस सवाल को बड़े गहराई से समझिएगा। मैं दिलीप सर को एज ए प्रोस्पेक्ट दोस्तों यहां पर अभी ट्रीट करूंगा, तो दिलीप सर आपने कहा मेरे से कि समय नहीं है पैसा नहीं है, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि सर आखिर आपके पास में इस काम को करने के लिए समय क्यों नहीं है, आप मुझे समझा सकते हो? मतलब मैं सवेरे जाता हूं नौकरी के ऊपर, दिन में नौकरी करता हूं, शाम को नौकरी जाता हूं, तो समय मिलता नहीं। ओके मैं जान सकता हूं सर आपने कहा कि पैसे नहीं है, क्यों नहीं है पैसे आपके पास? अब इतनी सैलरी मिलती है तो परिवार में खर्च हो जाती है, छोटे मोटे कोई परिवार में कई सारे काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, स्कूल की फीस आती है, मकान किराया जाता है, बाइक की किस्त चली जाती है, तो पैसे बचते नहीं है सर। चलिए बिल्कुल सही बात है सर, देखिए अगर मैं भी इस बिजनेस में आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, मैं भी आर्मी में था, और जब मेरे सामने बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने भी रामवीर सर को यही ऑब्जेक्शन दिया था, यही बहाना बनाया था कि सर मैं बहुत बिजी हूं और मैं जिस महकमे में काम कर रहा हूं मेरे बिना चल नहीं सकता, खासकर आर्मी का महकमा, खासकर आर्मी में, राइट, मैं मीनवाइल की मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी, मैं इस काम के लिए समय निकाल ही नहीं सकता, और पैसे की बात सर पैसा तो मेरे से मांगना भी मत, मेरे को तो नमक मतलब मरने के लिए भी पैसा नहीं है, हम तो नमक के साथ रोटी खाते हैं, जहर खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि कट पीट करके 21,000 रुपए मिलते हैं, ये बात है आपकी 2015 की, मैं सर पैसे मत मांगना मेरे से। तो रामवीर सर ने उस दिन सर मेरी फोन पर लगभग 1 घंटा काउंसलिंग की इस बात के ऊपर, जो सवाल उन्होंने मैंने आपसे पूछा उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आखिर आपके पास समय क्यों नहीं है और आखिर आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, नौकरी कितनी हो गई? मैंने कहा सर 16 साल हो गई, 17 साल खत्म होने वाली थी, तो सर 16-17 साल हो गई है, और 17 साल नौकरी करने के बावजूद भी सर आपके पास पैसा नहीं है, कमाल की बात है, और आपके पास समय नहीं है, सर क्यों नहीं है, आप इस बात को समझ रहे हो? इसे कहते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, इसे कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट, अगर आज आप समझ गए तो आप भी इस बिजनेस को पूरा समय दे पाओगे और आप हर एक व्यक्ति के उस सवाल का जवाब दे पाओगे, वो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक मिडिल क्लास आदमी के पास आखिर समय क्यों नहीं होता? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक 5% की कैटेगरी में आते हैं और एक 95% की कैटेगरी में आते हैं। 5% वाले लोग समय खरीदते हैं और 95% वाले लोग समय बेचते हैं, और समय बेचने वाले के पास में लिमिटेड टाइम है, 24 आवर, 24 घंटे, और उस 24 घंटे में से वो अधिक से अधिक अपना 12 घंटे का समय बेच सकता है, 12 घंटे का अधिक से अधिक वो समय बेच सकता है, 12 घंटे का समय में उसे सोना भी है, खाना पीना भी है, नित्यक्रम भी करने हैं, डेली रूटीन भी करना है, और उसको जो है कि आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगेगा, ट्रेवलिंग में जो टाइम लगेगा वो टाइम भी, तो अधिक से अधिक वो कितने घंटे नौकरी कर सकता है? 12 घंटे नौकरी कर सकता है, या 12 घंटे खेती कर सकता है, या 12 घंटे दुकान चला सकता है। कुल मिलाकर के पैसा कमाने का जो मूल जो स्रोत है वो क्या है? समय, और उसके साथ में टैलेंट, और उसके साथ में मेहनत। अब जो इंसान जिस भी काम में जितना समय लगाएगा वो अपने टैलेंट और अपने मेहनत से उतना पैसा कमाएगा, समझ में आ गई बात? यही कारण है कि एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर की जो इनकम में होता है वो फर्क होता है, एक सर्जन और एक लैब असिस्टेंट जो ओटी का जो असिस्टेंट होता है उसकी इनकम में फर्क होता है, टाइम दोनों बराबर दे रहे हैं लेकिन टैलेंट और कहीं ना कहीं मेहनत दोनों की अलग अलग है, और इस वजह से उनकी सैलरी में डिफरेंस है। तो हमारे साथ भी यही है कि भाई जब हमने अपना 8 घंटा किसी को सेल कर रखा है,
चाहे वो दुकान को दे रखा, अपनी दुकान को दे रखा है, चाहे हमने खेती बाड़ी को दे रखा है, या फिर हमने नौकरी को दे रखा है, तो हमारे पास समय कहां से होगा? ओके, अब उसके बाद में जब वहां से निकले हम, तो वहां से निकलने के बाद में हमारी फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, यार दोस्त है, टीवी भी देखना है, समाचार भी सुनने हैं, राइट, पार्टी भी करनी है, फिल्म भी देखनी है, तो हमारा अपना समय 24 ही घंटे है। इस वजह से दोस्तों ये 95% लोग जीवन में कभी बड़े नहीं बन सकते, लेकिन वही 5% लोग स्मार्ट होते हैं। ये दूसरे लोगों का समय खरीदते हैं, दूसरे लोगों का टैलेंट खरीदते हैं, और दूसरे लोगों से मेहनत करवाते हैं, और यही लोग दुनिया पर राज करते हैं, ये महज 5% होते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, कोई भी एक कॉर्पोरेट, आप कंपनी की बात कर लो, चाहे अंबानी की बात कर लो, चाहे अडानी की बात कर लो, चाहे टाटा की बात कर लो, चाहे बिरला की बात कर लो, मैं जियो के एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जियो जब फॉर्म हुई तो 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ 2016 के अंदर। 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके उन्होंने क्या किया कि अपने टावर तो थे नहीं, दूसरे से टावर लिए, दूसरे से आपने सर्वर लिए, दूसरे प्रोवाइडरों से, उसके बाद में सिम सेल करने के लिए या कस्टमरों को अपने साथ में जोड़ने के लिए, दोबारा सुनना, जोड़ने के लिए क्या किया, मेरे आपके जैसे इंप्लॉय लिए, कोई सेल्समैन लिया, कोई सेल्स मैनेजर लिया, कोई एरिया सुपरवाइजर लिया, राइट, कोई जीएम लिया, कोई टेक्नीशियन लिया, कोई इंजीनियर लिया, कोई वॉचमैन लिया, कोई हाउसकीपिंग वाला लिया, और इस प्रकार से उन्होंने लाखों लोगों को हायर कर लिया। अगर एक दिन में जियो के लिए अगर 1 लाख लोग काम करते हैं और हर व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है, तो जियो के लिए एक दिन में कितना घंटा काम हो गया? आई थिंक यू गॉट आंसर, 8 लाख घंटे। और जबकि आपका और मेरा दिन कितने घंटे का है? महज 8 घंटे, 24 घंटे का। और वहीं पर किसी भी एक बड़ी फर्म का, किसी भी एक बड़ी कंपनी का दिन आज लाखों करोड़ों रुपए का घंटे का हो गया। इस वजह से दोस्तों, जितने घंटे एक दिन में उनके लिए काम होगा, वो उतने बड़े बनेंगे। आपके पास में समय इसीलिए नहीं है क्योंकि साहब समय बेच रखा है, और समय आपको जिंदगी भर नहीं मिल सकता। क्यों? फौज में कितनी नौकरी करके आया सर? 16 साल। उसके बाद में प्राइवेट जॉब आपने कितने दिन किया? 2 साल। 2 साल। अगर आप SLPS बनना करते तो आपको तब तक सर नौकरी करनी पड़ती जब तक आपके बच्चे सेटल नहीं हो जाते। और बहुत सारे लोग तो उसके बावजूद भी नौकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट हर इंसान की होती है, और जितना इनकम आते जाती है उतना इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। और इसी वजह से हमारा मिडिल क्लास का आदमी पूरी जिंदगी कभी समय स्पेयर नहीं कर सकता। आपने मेरे से तो कह दिया सर इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है, लेकिन भगवान न करे सर अगर घर में कोई दुख तकलीफ हो जाए, मम्मी पापा को अस्पताल ले जाना पड़ जाए, वाइफ कहे चलो जी इस साल जो है कि अपने एनिवर्सरी पे कहीं घूमने के लिए चलते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर पापा जो है कि इस बार हमारे को समर वेकेशन में कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, दुख तो तब होता है सर आपके परिवार को, उस समय पर शायद आपको फील होता होगा, और अगर नहीं होता होगा तो आज मैं आपको एहसास करा करके जा रहा हूं कि आपने जो मेरे से कहा समय नहीं है, एक बार आप अपने परिवार की फीलिंग समझने की कोशिश करना कि उनको कैसा लगता होगा जब आप कहते हो कि समय नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से लिबर्टी देता है आपको, क्योंकि यहां पर टीम वर्क है, यहां पर लाखों लोग आपके लिए काम करते हैं, और प्लस पॉइंट यह कि आपको करोड़ों रुपया लगाना नहीं है जैसे जियो के लिए अंबानी जी ने लगाया था। समझ में आ गई सर बात? उसके बाद करें सर बात पैसे की, तो सर पैसे मिडिल क्लास आदमी के पास कब हो सकते हैं बताओ? हो सकते हैं, मिडिल क्लास आदमी सारे काम जिंदगी में एडजस्टमेंट करके करता है, घर बनाना हो तो एडजस्ट करता है, राइट, सही है, लड़की की शादी करनी हो एडजस्ट करता है, बेटे का कहीं करियर अपॉर्चुनिटी में सिलेक्शन हो रहा हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो रहा हो, तब जाकर के पैसे की एडजस्टमेंट करता है, घर में कोई दुख तकलीफ इमरजेंसी आ गई तब एडजस्टमेंट करता है, रिश्तेदारों से दोस्तों से ब्याज में लेकर के GPF निकाल करके, यस और नो? ये तो जिंदगी भर का कांटा है सर, जिंदगी भर का कांटा, पैसा नहीं है मेरे पास, ये हर मिडिल क्लास के इंसान के जीवन में जिंदगी भर का एक कांटा। और अगर इस कांटे को निकालना है तो सर एक बार आप SLPS वेलनेस के लिए सुई का दर्द ले लो, अगर कांटे को निकालना है। कांटे को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर? सुई। अगर हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो कांटे को निकालने के लिए सुई को उससे भी अधिक गहराई में ले जाना पड़ेगा नीचे, राइट, बराबर, तब जाकर के वो कांटा बाहर निकलेगा। सिंपल। एक बार तो दर्द होगा सर,
लेकिन आराम जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। क्या आप उस कांटे के दर्द के साथ जिंदगी भर चल सकते हो? नहीं चल सकते। लेकिन अगर एक बार अधिक दर्द ले लिया ना तो वह दर्द खत्म हो जाएगा। तो एसले बीएस वेलनेस सर आपका दर्द खत्म करने के लिए आई है, उस दर्द को जिसे कहते हैं गरीबी का दर्द, आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन एक बार दर्द आपको सहन करना होगा। अगर एक बार आपने एडजस्टमेंट कर ली कहीं से 15-17-18-8-10 हजार रुपए की आपको अपने कोड को एक्टिव करने के लिए, तो आप जिंदगी भर सर उन सभी अचीवर्स की तरह इस गरीबी के दर्द से खत्म कर सकते हो सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। अब बेटा बोले बाइक चाहिए, आप बोलो पैसा नहीं है। बेटी बोले पापा स्कूटी चाहिए कॉलेज जाने के लिए, पैसा नहीं है। वाइफ कहे जी करवा चौथ में इस बार कुछ दिला दो नहीं तो व्रत तोड़ दूंगी, आपको पैसा नहीं है। एनिवर्सरी में करवा चौथ में या फिर कहीं भी बर्थडे पे पैसा नहीं है। मम्मी पापा के अस्पताल जाना है, पैसा नहीं है। तो प्रॉब्लम उनको है सर, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सर एसएलए पीएस वेलनेस का दामन पकड़ लो, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी एक बार एडजस्ट करना है, जी एक बार एडजस्ट करना जिंदगी में, और अगर काम बताए मुताबिक काम किया तो सब सक्सेस हो जाएगा। लोग ये बोलते हैं सर चलो एडजस्ट भी कर लू, समय भी निकाल लू, पर मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। मैं पहले घर में बात करूंगा, घर में पूछूंगा, अपनी वाइफ से पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, वो कहेंगे तो करूंगा। या फिर आता है एक आता है क्वेश्चन कि मैं सोच के बताऊंगा। सोच के सर पहले मैं इसी सवाल का आपको जवाब देता हूं क्योंकि समय हमारा बीतता जा रहा है। 10 मिनट में हम ये सारी चीजें खत्म करने का प्रयास करेंगे। सर सोच के बताऊंगा, उम्र कितनी होगी सर आपकी? मेरी लगभग 40। मीनवाइल की जब भी आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो सबसे पहले आपको उसको यही काउंटर क्वेश्चन पूछना है कि सर उम्र कितनी होगी आपकी? 45 राइट? ओके, तो सर 45 साल में आप सोच नहीं पाएंगे अभी तक? 45 साल में सोच नहीं पाए क्या सर? अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, 45 साल की जिंदगी गुजार दी आपने सोचने सोचने में, और कितना सोचोगे? वक्त डिसीजन लेने से मिलता है, क्योंकि कहावत है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। आप सोचते रह जाओगे और लोग कर जाएंगे। अगर आप सोचने में व्यक्त बिताओगे ना, तो याद रखना मेरे बात दोस्तों कि अगर आप सोचने में बिजी हो तो इतनी देर में अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया है तो वो आपसे 101% अधिक कामयाब होएगा। जो जितने जल्दी शुरू करेगा वो उतने, और शुरू करने के लिए यहां पर लगना क्या है बताओ? अपने यूज के प्रोडक्ट परचेज करने, और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से आप परचेज करते ही हो। क्वालिटी कैसी हम आपको बता चुके हैं, तो आप अपनी जेब और जरूरत के अनुसार कोई प्रोडक्ट परचेज करो और उसके बाद में शुरुआत करो। उसके बाद बात करते हैं कि आपके घर वालों से पूछ करके बताएंगे। अच्छा तो मुझे बताइए कि आपको अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, अपने बेटे को आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, या फिर खुद आप एक स्टूडेंट है, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आप किससे सलाह लेंगे? अगर कोई व्यक्ति उस प्रोफेशन में कामयाब है उसी से तो काउंसलिंग करेंगे अपनी या करवाएंगे, यस और नो? यस सर। क्रिकेट के बारे में सचिन से पूछा जाएगा, यस और नो? बिल्कुल। या फिर जो कि क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन से, अमिताभ बच्चन से पूछा जाएगा, सचिन से, यस और नो? सही है गलत है? बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है सर, लोग किस किस प्रकार से एग्जांपल देते हैं कि मेरे भाई साहब ना वकील है उनसे पूछूंगा, मेरे भाई साहब सीए है उनसे पूछूंगा, मेरे भाई साहब टीचर है उनसे पूछूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आपके भाई साहब, आपके घर में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया है? नहीं किया। क्या उसका उस बिजनेस को करके कोई कामयाब हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर अगर आप उनसे पूछोगे ना तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देंगे, क्योंकि उनको इस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज, पहली बात तो पता नहीं है, और अगर पता कहीं दूर दराज से अगर सुना भी है तो हर नए स्टार्टअप के लिए हर घर का हर एक व्यक्ति आपको मना करेगा, क्योंकि आपके माँ बाप ने, आपके भाइयों ने आपके लिए सोच रखा कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। और अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो आपका घर वाला कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा।
यहां तक कि जब मैं अपनी नौकरी छोड़ करके आ रहा था तो तब मुझे मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे अपनों ने मुझे बहुत ज्यादा समझाया था कि भाई तू नौकरी क्यों छोड़ रहा है, अच्छी खासी तेरी नौकरी है, शार्प तेरा करियर है, तू क्यों इस नौकरी को छोड़ रहा है इस बिजनेस के लिए। लेकिन इस बिजनेस की ताकत किसे पता थी? मुझे पता थी। मैं किससे मिला था? रामवीर सर से मिला था। किससे मिला था? संजीव सर से मिला था। वो कौन थे? वो इस बिजनेस के एक्सपर्ट थे, वो इस बिजनेस के सक्सेसफुल लोग थे। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की थी, उनको देख करके, उनकी सक्सेस को देख करके मैं आया था। तो अगर सर आपके मन में कोई सवाल है अभी भी, आप मेरे से पूछो, मैं क्लियर करूंगा। आप पूछो क्या पूछना चाहते हो, आप अपने भाई से क्या पूछना चाहते हो, वो मेरे से पूछो, मैं आपको 100% सेटिस्फाई करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने सीनियर से आपकी बात कराऊंगा। लेकिन सर गारंटी है, अगर आप अपने घर वालों से पूछोगे ना कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, वो सीधे सीधे मना करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपने इस उम्र में आकर के, 40 साल की उम्र में आकर के, 30 साल की उम्र में आकर के, 25 साल की उम्र में आकर के अपना कैरियर का ट्रैक चेंज करना चाहोगे तो कोई भी घर वाला अलाउ नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर आपको अपने घर वालों को अपने फेवर में करना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपने घर वालों से मिलाओ, मैं उनको कन्विंस करूंगा। आपको उनसे सिर्फ मेरे से मिलवा देना है, जब वो कहें अच्छा है काम कर तब करना, लेकिन आप उनसे गलती से भी इस बिजनेस के बारे में शेयरिंग मत करना, नहीं तो आपके ही अपने आपका इस बिजनेस में भविष्य शुरू होने से पहले खत्म कर देंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात, कर देंगे बिना नॉलेज कर देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ओके। तो सर इसी साथ लोग ये बोलते हैं कि चलो ठीक है आपने कहा मैं शुरुआत कर लूं, पर सर एक बड़ी समस्या मेरे सामने है कि मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, मतलब वक्ता नहीं हूं आपकी तरह, और मेरे में वो क्वालिटी नहीं है जो आपके अंदर क्वालिटी है। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए ऐसा है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस बिजनेस में नॉन टैलेंटेड, नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति 100% कामयाब हो सकता है। क्योंकि जो टैलेंटेड व्यक्ति होगा, जो प्रोफेशनल व्यक्ति होगा, वो एक सिंगल प्रोफेशन में जाएगा। कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के प्रोफेशन में जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर के प्रोफेशन में जाएगा, राइट राइट। जो एक अच्छा वक्ता है वो एंकर बनेगा, राइट राइट। आगे बसन में जो एक जिसने डॉक्टर की पढ़ाई है वो डॉक्टर बनेगा, जो जिसने इंजीनियर की पढ़ाई की है वो इंजीनियर बनेगा, जिसने सीए की पढ़ाई की है वो सीए बनेगा, बराबर। लेकिन इस बिजनेस में वो व्यक्ति 100% कामयाब हो सकता है जिसके पास में कोई भी अपना स्किल नहीं है, जिसमें कोई भी प्रोफेशनल स्किल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो सकता कामयाब? क्योंकि इस बिजनेस में आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ जो लोग एसोसिएट होते हैं उनमें से, मान लीजिए कि आपकी टीम में एक बंदा अच्छा बोलने वाला ज्वाइन हो गया मेरे जैसा, राइट, एक अच्छा कंप्यूटर जानने वाला ज्वाइन हो गया दिलीप सर के जैसा, जिसे इंटरनेट का नॉलेज है, जो रजिस्ट्रेशन भी कर लेता है, एक अच्छा बंदा नॉलेज हो गया जिसको प्रोडक्ट का आता है। तो आप मुझे बताइए कि हर व्यक्ति का नॉलेज जो आपकी टीम में है उनका नॉलेज आपको काम आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली। यही तो तरीका है ना बड़ा बनने का। अरे यस और नो, अरे अडानी तो 12वीं पास है, यस और नो। अब उसकी नेटवर्थ एक साल के अंदर $30 बिलियन से और $80 बिलियन हो जाती है, वो कैसे होती है? क्योंकि सर उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो टैलेंटेड लोग हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनका दिमाग चल रहा है, राइट, रुपए से कमा रहे हैं। आगे बात समझ में? बिल्कुल। दिमाग किसका चल रहा है गूगल में? आपका पिचाई का, समझ में आई बात? सुंदर पिचाई का चल रहा है, राइट, या माइक्रोसॉफ्ट में किसका चल रहा? तो दिमाग चल रहा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, लेकिन पैसा कमा रहा मालिक, समझ में आई बात? तो यहां पर क्या है कि जो आपके पार्टनर्स आपके साथ एसोसिएट होते हैं उनका स्किल आपके साथ कामयाब आता है। और दूसरी बड़ी बात है कि सर यहां पर सीख करके हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है जिंदगी में, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। तबला बजाने से पहले जाकिर हुसैन ने कभी तबला नहीं बजाया, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले कभी एक्टिंग नहीं की, सचिन तेंदुलकर ने बैट पकड़ने से पहले कभी बैट नहीं पकड़ा, लेकिन इन सब लोगों ने एक दिन शुरुआत की तो आज अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो आज आपको मेरे को देख करके लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोलता हूं, एक समय ऐसा था कि मैं सिर नीचे करके बैठा रहता था अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाता था तो, राइट, नवजोत सिंह सिद्धू को देख लो, सही बात है, राइट,
जो कभी बोलता नहीं था और आज वो किसी को बोलने नहीं देता, राइट? ठोको ताली, ठोको ताली। ओके प्लीज नेक्स्ट। ओके, एक और बड़ी समस्या आ जाती है लोगों को कि इस बिजनेस को छोटा समझते हैं कि अरे जोड़ने वाला काम है, ये छोटा बिजनेस है, मेरी अपनी इमेज है, मैं सरकारी जॉब में हूं, मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को ईगो हट कर जाता है, मेरी अपनी प्रेस्टीज है समाज के अंदर, मैं क्या घर घर लोगों के पास जाऊंगा क्या, ये मिला जुला क्वेश्चन आता है लोगों के सामने। मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई मतलब क्या है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस काम को छोटा समझते हैं, छोटा समझते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा उन सभी दोस्तों को जो इस काम को छोटा समझते हैं, दोस्तों अगर आप के सामने मैं साबित कर दूं ना ये बड़ा काम है, तब जाकर के आप जो है कि इस काम को करना, नहीं तो मत करना। दोस्तों कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर एक इंसान बिना पैसे लिए किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकता है। सही गलत सही बोल रहा। कहने को टीचर पढ़ाते हैं, कहने को सर मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है, इंजीनियर भी इंस्टीट्यूट में ही बनते हैं, एक्टर भी सर एक्टिंग स्कूल्स में ही बनते हैं। सही गलत है, हर एक स्पोर्ट्समैन हर जगह हर एक इंस्टीट्यूट में तैयार होता है, तैयार होता है। क्लियर है? तो ये अपवाद नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है उनको एक स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए। जरूर। सही है गलत है? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपने जैसा क्लोन अगर पैदा कर सकता ना, तो फिर अजय जडेजा अपने बेटे रोहन जडेजा को अपने जैसा बनाता, जबकि उनके अंदर तो जेनेटिक गुण है, बरोबर बचपन से वो देखते हैं, वही क्वालिटी उनके अंदर आ पाती, सचिन की सेम क्वालिटी उनके बेटे के अंदर आ पाती। समझ रहे सर मेरी बात? यस और नो? यस यस। तो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सर आप अपने साथ आए हुए लोगों की न केवल जिंदगी बदल सकते हो बल्कि आप उनको अपने जैसा बना सकते हो। सर संजीव सर ने कंपनी खोली, कौन संजीव सर? एक किसान परिवार में जन्म, एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ, आज उनकी बदौलत SLPS वेलनेस में 200 लोगों के पास सर लग्जरी कार है, लग्जरी कार, राइट? 108 लोग आज डायमंड एंड अबव रैंक अचीवर है, यानी कि जिनकी इनकम 60 लाख रुपए से लेकर के और सर 12 करोड़ रुपए तक है। बरोबर। यस और नो? 3 अचीवर हमारे ऐसे हैं जिनकी 12 करोड़ प्लस इनकम है। उसके बाद मैं क्राउन डायमंड की बात करूं सर, तो 4 हमारे पास आज क्राउन डायमंड है जिनकी इनकम आज 6 करोड़ से ऊपर है। रॉयल डायमंड की बात करूं सर, आज 6 रॉयल डायमंड हमारे पास है जिनकी इनकम 4 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में। बिल्कुल। यस और नो? यस। 60 लाख रुपए से लेकर के और 12 करोड़ रुपए तक की इनकम कमा हुए लोग हैं। ना केवल कंपनी बड़ी बनी है बल्कि इस 6.5 साल के पीरियड में सर आज 200 प्लस लोग आज करोड़पति से ऊपर की रेंज में आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके, राइट? उस लाइफ में आ चुके हैं। आज हजारों लोगों की अपनी खुद की गाड़ी आ गई है, आज हजारों लोगों ने अपनी गाड़ी ले ली है, घर ले लिया, अपनी आंखों सामने सब लाइव है। सही है? बिल्कुल। किसी ने स्विफ्ट ली जो बाइक पर चलता था, तो किसी ने वेन्यू ली, राइट? इस प्रकार से तो यहां पर सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में न केवल एक जिंदगी बदलती है, लोगों की जिंदगी बदलती है। हाँ, अपनी जिंदगी बदलती है, लोगों की जिंदगी बदलती है, उसके बाद में उन लोगों का चरित्र चित्रण आप होता है, उनकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, स्किल डेवलप होता है। और सबसे बड़ी बात है सर कि हमारा जो काम है इसमें केवल पैसा कमाना एक उद्देश्य नहीं है, इसके पीछे जो एक समाज सेवा छुपी हुई है, बराबर, जिसके माध्यम से आज सर हमारी कंपनी में तकरीबन 12 लाख लोगों का परिवार हो चुका है, जो लोग हमारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, राइट? अब 12 लाख लोग जो हमारे प्रोडक्टों का लाभ ले चुके हैं सर, मैं नहीं कहता कि सारे बीमार थे, लेकिन किसी को गैस कब्ज एसिडिटी थी जिसकी वजह से वो जिंदगी भर परेशान था, अगर वो भी ठीक हुआ उसका, तो सर ये काम अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा काम है सर। अच्छा, दूसरी बात सर, प्रोडक्ट तो खरीदे ना खरीदे बंदा, लेकिन हम जो लोगों को जानकारी देते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, बर्गर पिज्जा नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, जंक फूड मत खाना, राइट? हमारे बताने से अगर लोग जंक फूड छोड़ देते हैं, अगर नॉनवेज छोड़ देते हैं, अगर अल्कोहल छोड़ देते हैं, अगर अपनी लाइफ स्टाइल को अगर एक सही लाइफ स्टाइल में ले आते हैं, तो ये काम अच्छा है या बुरा है सर? बहुत अच्छा काम है। अगर आपके काम करने से सर हजारों लोगों के घर में रोजगार आए, आज मैं मेरी टीम की बात करूं सर, तो मेरी टीम में आज
500 प्लस एमराल्ड एंड अबव लीडर है, यानी कि 500 लखपति हैं। पिछले 5.5 साल के अंदर मेरी टीम में 500 लखपति हैं, 500 लोगों के घर में लाख रुपए से ऊपर की इनकम यहां पर आई है, राइट। तो सर मुझे आप बताइए कि ये काम मैंने अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा काम किया, यस और नो? अगर हम ये मान लें कि भाई अगर उसी टाइम अगर आपकी ईगो हट करती, हाँ, अगर आप सोचते भाई मैं फौज में हूँ, मैं फौज में हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब, मुझे क्या करना है, मैं घर पर जाकर क्या करूं, लोगों की लाइफ जो चेंज हुई शायद वो नहीं हो पाती। आज सर लाखों लोगों की दुआएं आती हैं, एक बर्थडे भी, एक बर्थडे अगर पता लग जाए लोगों को सोशल मीडिया पर है तो लाखों लोग विश करते हैं। सर मैं कहता हूँ विश करते हैं, भगवान पिछले 5.5 साल में बीमार तो नहीं हुआ खैर, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद बीमारी इसी वजह से नहीं हो रही है, कोई तकलीफ इस वजह से नहीं हो रही है कि दुआएं लोगों की हमारे साथ है, तो इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेरा आखिरी क्वेश्चन और है, बस लास्ट है ये जी, और हम अपना इसको क्लोज करेंगे। तो लोग ये बोलते हैं सर कि मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट हूं, मेरे से ये घर घर जाना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ज्यादा महंगी गाड़ी भी नहीं चाहिए, मैं अपने अल्टो में ठीक हूं। अल्टो मंजूर है, बाइक मंजूर है, पर घर घर जाना मंजूर नहीं है सर। बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअल में क्या है कि जो इस प्रकार का बहाना बनाते हैं, जो इस प्रकार का सवाल रेज करते हैं, हकीकत मायने में वो संतुष्ट नहीं होते हैं सर, बल्कि वो स्वार्थी होते हैं। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा सर, दो प्रकार के सुख होते हैं, दो प्रकार के दुख होते हैं। एक सुख होता है मानसिक सुख, दूसरा सुख शारीरिक सुख। एक दुख, एक कष्ट होता है आपका मानसिक कष्ट, मानसिक दुख, और दूसरा होता है आपका शारीरिक कष्ट, राइट। अब जो इंसान शारीरिक सुख चाहता है, जो इंसान शारीरिक सुख चाहता है, वो क्या करता है, अपने मन को संतुष्टि दे देता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, और वो इंसान जिंदगी भर दुखी रहता है। कब दुखी रहता है वो? क्योंकि मेहनत तो वो करना नहीं चाहता। अब या तो उसके घर में उसकी मोनोपोली चलेगी, दादागिरी चलेगी, क्योंकि घर का मुखिया है वो, बीबी उसके सामने मुंह नहीं खोल सकती, बच्चे उसके सामने डिमांड नहीं कर सकते, माँ बाप उससे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। बरोबर। उसने अपने घर में एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रखा है, दादागिरी बना रखी है कि कोई डिमांड नहीं करेगा। अरे तेरी गाड़ी की शौक नहीं है, मान लिया तुझे गाड़ी की शौक चाहत नहीं है, तुझे आईफोन की चाहत नहीं है, तेरे बच्चों को भी नहीं है, नहीं नहीं उनको भी नहीं है। अच्छा तूने पूछा, बोला हाँ पूछ लो, बेटा आईफोन चाहिए? चाहिए तो था लेकिन पापा देंगे नहीं। चाहिए तो था लेकिन पापा और पापा आके देंगे नहीं, और पापा के सामने तो बोल ही नहीं सकते। बोले नहीं 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 अंकल नहीं चाहिए आईफोन इसको। अब बेटी कॉलेज में जाने लायक हो गई है, अब उसकी सारी फ्रेंड्स स्कूटी में आती है, और हमारी बेटी जा रही है बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर आपके स्कूल के, राइट। अब बेटी कह रही पापा मुझे स्कूटी दे दो, मेरी सारी सहेलियां स्कूटी या मैं आती हैं, हम पैदल जाते थे, पैदल फटा हुआ नेकर पहनते थे रफू होकर के, अपना उदाहरण देगा बाप, यस और नो? हकीकत मायने में वो क्या है कि शारीरिक कष्ट नहीं लेना चाहता, और इस वजह से या तो वो घर वालों को दुखी करेगा और या फिर खुद दुखी रहेगा, या तो मानसिक तौर पर दुखी रहेगा कि यार बेटी की शादी करनी है तो पैसा कहां से लाऊं, बेटे को अच्छे इंस्टीट्यूट में डालना है तो कहां से डालूं, अब अगर उसका पैसा नहीं होगा तो क्या लॉजिक देगा। बेटा कहता है कि पापा मुझे देहरादून से पढ़ाई करनी है, और वो कहता आराम कर, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। क्या सरकारी स्कूल वाले आईएएस नहीं बनते? हाँ। सरकारी वाले आईपीएस नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं पापा, क्यों नहीं बनते हैं? लेकिन भाई जो बनते हैं उन बच्चों का स्किल अच्छा होता है भाई, बर्थ उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, क्या हर बच्चे को हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बोर्ड गिफ्टेड सकते हैं, आईक्यू लेवल उनका अच्छा होता है, सही है गलत है? बराबर। तो कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर वो या तो बच्चे को दुखी करेगा और या फिर वो खुद दुखी रहेगा। तो इसी का शायद मेरे ख्याल से एक यही है कि अगर इंसान अगर अपने आप को संतुष्ट कर ले तो उसका परिवार हमेशा दुखी रहेगा, दुखी रहेगा या फिर वो खुद दुखी रहेगा। सही बात, बिल्कुल भाई, सिंपल सा फंडा है भंडारी सर। अगर सर मेरी बेटी आ जाए, हाँ, अगर मैं बेटी की शादी के अंदर 5 लाख रुपए लगाऊंगा जिंदगी भर गोबर ढोएगी, गोबर ढोएगी है, अगर उसी बेटी की शादी के 50 लाख लगाऊंगा तो सरकारी नौकरी वाली जाएगी। बिल्कुल। अगर बेटी वही है, हाँ, उसी शादी में 5 करोड़ लगाऊंगा जिंदगी भर नौकर चाकर के बीच, नौकर चाकर के बीच में रहेगी। ट्रू है, बस संतुष्ट लोग कहते हैं कि डिपेंड मेरे पे, बेटी की शादी इसके इसका घर कैसा होगा, ये जैसा इसके भाग्य में लिखा होगा वैसा होगा, गलत है।
जैसा बाप की पॉकेट होगी वैसा बेटी का घर होगा, भविष्य होगा। चलो मतलब एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर क्या टाइम का भाव है और ऑनलाइन अपन वैसे हैं और यूट्यूब पर वैसे हैं। तो दोस्तों शायद कुछ बातें आपसे हमने करी थी और सवाल जवाब किए थे, शायद आपको समझ में आए होंगे। 99.9% इनमें से कोई ना कोई सवाल आज आप और हम जब मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, अपने एसलीपेस कंपनी लेके जाते हैं तो हमारे सामने आते हैं। कोई बोलता है कंपनी भाग गई, तो कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई बोलता है सर इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, कोई बोलता है सर मैं बोल नहीं सकता, कोई बोलता है मैं घर में कुछ बताऊंगा। तो मिले जुले यही क्वेश्चन आते हैं, जो जवाब आज हमारे रिस्पेक्टेड रॉयल डायमंड मिस्टर भंडारी सर ने दिए हैं, आप सभी को बताया है, और वो सेम कॉपी करके मार्केट में आप पेस्ट कर दोगे और लोग जवाब दे दोगे, तो 100% आप अपने जो ये फील्ड है एसलीपेस का जो मंच है इसमें सक्सेस हो जाओगे। और दोस्तों इसी कड़ी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दोस्तों इस संडे को यानी कि टाइमिंग क्या, साढ़े दस बजे 20 तारीख को 10:30 बजे हमारे दोनों के अपलाइन, हमारे दोनों के गुरु, हमारे दोनों के मेंटर हमारे बीच आ रहे हैं एक प्यारा सा वेबिनार लेके कि ये एसलीपेस कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है और हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हेल्थ का वेल्थ का एक जागरूकता का अभियान लेके आ रही है, ये प्रोडक्ट के बारे में जानकर लेके आ रही है, बिजनेस अप्रोच के बारे में जानकर लेके आ रही है। दोस्तों संडे 20 तारीख 10:30 बजे यूट्यूब पे लाइव आना ना भूले। लिंक आपको इसी जो लाइव सेशन चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आएंगे जो आपको लाइफ में सक्सेस बनाएगा, लाइफ में ऊंचाइयां छूने के जो प्रेरित करेगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले संडे को। भंडारी जी आप कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। अगले संडे 10:30 बजे एक ऐसा लाइव वेबिनार होगा जिसमें प्लान प्रेजेंटेशन मैं करूंगा और क्लोजिंग हमारे महागुरु जी करेंगे। दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं अगर आप अपने सभी उन परिवार वालों को, उन दोस्तों को जिनको आप इस बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हो, लाना चाहते हो, उनको अगर आपने परसों के संडे के वेबिनार में अगर ज्वाइन करा दिया तो आपका सारा बोझ खत्म हो जाएगा, उनके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, मतलब बोझ आप ले लोगे। यस, आपको समझाने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। yes. फिर आप बिल्कुल ऐसे उनसे बात कर सकते हैं, अब बता कैसा लगा था रखो, यानी कि आप जो आप उनके सामने डोमिनेट होकर के बात करते हो, अगर परसों का वेबिनार अगर उन्होंने सुन लिया तो फिर सीना चौड़ा होकर के ऐसे ऐसे बॉम्ब मटका करके आप उनसे कह सकते हैं, अब बता क्या समझ में आया तेरे, राइट। तो 10:30 बजे हम लाइव आ जाएंगे, प्लान प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद लास्ट बात दोस्तों, अगर आपको यह ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन ये क्वेश्चन आवर्स अगर आपको अच्छा लगा तो आपके फीडबैक के नीडी रहेंगे हम, क्योंकि आपका फीडबैक ही दोस्तों हमारे क्वेश्चन देखा, क्योंकि हमें पता है कि अब वही फाइटर बचे हुए हैं इस पैनल इस अभी ट्रेनिंग में जो हमारे रियल फाइटर है, राइट राइट। तो आप सब लोगों का फीडबैक चाहिए, यूट्यूब सर के चैनल पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों फेसबुक पर जो पोस्ट डाली हुई है मैंने, मेरे पेज पर, सर ने अपने पेज पर, वहां पर भी आज के इस क्वेश्चन आवर्स का फीडबैक जरूर डालिएगा। आपका फीडबैक ही दोस्तों हमें ताकत देता है आपके लिए कुछ बेहतर लाने के लिए, आपके लिए कुछ और बेहतर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार। थैंक यू।